चैप्टर नंबर सेवन एग्रीकल्चर कर रहे थे हम लोग एग्रीकल्चर में सेवन पॉइंट वन एग्रीकल्चरल इनपुट हो गया सेवन पॉइंट टू फूड ग्रेन मैनेजमेंट हो गया सेवन पॉइंट थ्री एग्रीकल्चरल मार्केटिंग हो गई सेवन पॉइंट फोर एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन हो गया सेवन पॉइंट फाइव पूरा लैंड रिफॉर्म भी हो गया अब इस लेक्चर में मतलब कि सेवन पॉइंट सिक्स में हमें एलाइड एग्रीकल्चर करना है एलाइड एग्रीकल्चर मतलब कि सीधे क्रॉपिंग नहीं होती लेकिन वो भी जो है एग्रीकल्चर का पार्ट ही माना जाता उसको है उसको एलाइड एग्रीकल्चर बोलते हैं ना जो एग्रीकल्चर के साथ साथ होता है उसको अलाइड एग्रीकल्चर बोलते हैं एग्रीकल्चर में इंक्लूड करते हैं लेकिन यहाँ पे क्रॉप की फसल की बात नहीं होती तो पहला उसमें टॉपिक है फिशरीज दूसरा है डेयरी सेक्टर तीसरा है लाइव स्टॉक चौथा है बी कीपिंग और पाँचवा है कि एडिबल ऑयल की डिफिशियंसी हो रही है समझ गए अलाइड एग्रीकल्चर में जो पहला टॉपिक है वो फिशरी है दूसरा डेयरी है तीसरा लाइव स्टॉक है चौथा बी कीपिंग है और पाँचवां जो है एडिबल ऑयल की डिफिशियंसी पर बात करेंगे कि ये क्या हो रहा है है ना तो ये सारे टॉपिक्स हम करते हैं हाँ सेवन पॉइंट सिक्स अलाइड एग्रीकल्चर टॉपिक उसके अंदर सेवन पॉइंट सिक्स पॉइंट वन फिशरीज़ तो अलाइड एग्रीकल्चर में हमारा पहला टॉपिक क्या हो गया वहाँ पे सेवन पॉइंट सिक्स पॉइंट वन फिशरीज़ है ना मछली पालन करेंगे अब हम लोग देखिए एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है मेमोरेंडम ऑफ अग्रीमेंट बोलिए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बोलिए एक ही चीज़ है कोई दिक्कत नहीं एक मेमोरेंडम बना है कि चलिए इसमें हम आगे काम करेंगे वो साइन हुआ है मेमोरेंडम ऑफ अग्रीमेंट दो पार्टीज़ के बीच में है ना एक तरफ है डिपार्टमेंट ऑफ़ फिशरीज़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अच्छा चलिए तीन पार्टी के बीच में सॉरी एक तरफ तो डिपार्टमेंट ऑफ़ फ़िशरीज़ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अब ये डिपार्टमेंट ऑफ़ फ़िशरीज़ कहाँ है ये क्या मिनिस्ट्री ऑफ़ एग्रीकल्चर के अंदर है या कोई और मिनिस्ट्री है देखेंगे इस चीज़ को एक तरफ है डिपार्टमेंट ऑफ़ फ़िशरीज़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की दूसरी तरफ है नाबार्ड आपका नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड इस सब के बारे में भी कोशिश करूँगा चलिए एक इंट्रोडक्शन दे दूंगा आपको और तीसरी तरफ है गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु ट्राई एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है कि हम इम्प्लीमेंट करेंगे तमिलनाडु में फिशरीज एंड एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड अब फंड बनाना है तो एक बैंक की जरूरत थी रूरल डेवलपमेंट के लिए फ़िशरी तो आपके रूरल डेवलपमेंट के लिए ही है एक्वाकल्चर करना है जो मछुआरों की मदद करनी है तो रूरल डेवलपमेंट के लिए नाबार्ड आ गया फंडिंग करने के लिए साथ में आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट आ गई डिपार्टमेंट ऑफ़ फ़िशरीज के थ्रू मछली पालन की बात है और जो चूँकि तमिलनाडु में कर रहे हैं तो तमिलनाडु गवर्नमेंट आ गई तो आपको जो तीनों चीज़ें हैं याद रहनी चाहिए फिशरीज एंड कल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड जो है नाबार्ड आपका डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज़ और साथ ही साथ तमिलनाडु गवर्नमेंट ये तीनों मिलकर क्रिएट कर रहे हैं मेमोरेंडम जो है अग्रीमेंट यहाँ पर साइन हो गया है अभी तक के लेक्चर में मैंने नाबार्ड का कोई जो है ऐसी डिटेलिंग नहीं की है शायद अगर की भी होगी तो एक महीने दो महीने पहले मैं भूल चुका हूँ मैं फिर से करना चाहूँगा नाबार्ड का डिटेलिंग नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड क्या है एपेक्स लेवल की बॉडी है मतलब सेंट्रल लेवल की बॉडी है जिसके हर जगह ब्रांचेज होते हैं डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है इंडिया ठीक है डी एफ आई है डेवलपमेंटल फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है बैंक का क्या काम है मैटर्स कंसर्निंग पॉलिसी एंड ऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ क्रेडिट फॉर एग्रीकल्चर नॉट ओनली एग्रीकल्चर अदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन रूरल एरिया ऑल्सो दिस इज नॉट अबाउट फिशरी एंड एग्रीकल्चर ऑल्सो कोई जो है रूरल एरिया में छोटे मोटे डेवलपमेंट की बात होगी तो वहां के लिए भी ये फंडिंग करता है इसका मेन जो पर्पज़ है फाइनेंशियल इंक्लूजन करना है नाबार्ड की स्टैब्लिशमेंट कैसे हुई इंडिया में देखिए एक बी शिवरमन कमेटी आई थी बी शिवरमन कमेटी आई थी बहुत पहले और उसके बेसिस पे पार्लियामेंट ने उसकी रिकमेंडेशन के बेसिस पे एक एक्ट एक बनाया एक्ट बनाया है ना वो एक्ट जो आया था पार्लियामेंट में आपके देखिए कब आया था 1981 ऑफ पार्लियामेंट का एक्ट एक्ट नंबर 61 1981 पार्लियामेंट में एक्ट आया था और 12 जुलाई उन्नीस को जो है ट्वेल्थ जुलाई नाइनटीन को जो है आपका ये एक्ट को इम्प्लीमेंट करके कौन सा ये बनाया गया नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट एक्ट 1981 सॉरी 1981 में जो एक्ट आया नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट एक्ट 1981 उसके थ्रू 1982 में नाबार्ड को बना दिया गया जस्ट लाइक सिडबी सिडबी के लिए भी पीछे एक एक्ट आया और फिर बना दिया गया उसको तो ये स्टेट्यूटोरी बॉडी है स्टेट्यूटोरी बैंक है इसके पहले क्या कुछ नहीं था आपके रूरल एरिया में बैंकिंग के लिए था ना पहले एग्रीकल्चरल क्रेडिट डिपार्टमेंट था है ना और साथ ही साथ रूरल प्लानिंग एंड क्रेडिट सेल था ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंदर थे वो लोग ये काम करते थे और भी कुछ कुछ था एग्रीकल्चरल रिफाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लेकिन अब सारे काम कौन करेगा ये नाबार्ड करेगा एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट दोनों चीज़ें याद रखें अच्छा इसकी शेयर किसके पास है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास इसकी हंड्रेड परसेंट शेयर है ऑथोराइज कैपिटल अगर आज की बात करें शेयर कैपिटल की तो तीस हज़ार करोड़ है नाबार्ड इंटरनेशनली आपके वर्ल्ड बैंक वगैरह से एसोसिएट करता है वर्ल्ड बैंक इसको पैसे देगा फिर नाबार्ड जो है रूरल एग्रीकल्चर के लिए पैसे देगा लोगों को इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में नहीं है इसका हेडक्वार्टर जो है मुंबई में है तो इतना याद रखें आप इसके थर्टी वन रीजनल ऑफिसेज हैं कंट्री में ये जो है इस कैसे काम करती है ये एक एपेक्स फाइनेंसिंग एजेंसी है फॉर द इंस्ट्यूशन प्रोवाइडिंग इन्वेस्टमेंट एंड प्रोडक्शन क्रेडिट फॉर प्रोमोटिंग द वेरियस डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ मतलब नीचे कोई छोटे बैंक हैं जो रूरल एरिया में काम कर रहे हैं उनको ये क्रेडिट देगा कोई भी प्रोजेक्ट को इसने अगर रिफाइनेंस किया है तो उसकी मॉनिटरिंग एंड इवेलुएशन भी करेगा ये रिफाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को ये रिफाइनेंस करता है और वो रूरल सेक्टर में जाके नाबार्ड के लिए हुए पैसे जाके बांटते हैं जो रूरल इकोनॉमी को इंस्टीट्यूशन फंड प्रोवाइड करते हैं उनकी रेगुलेशन भी नाबार्ड करता है ऑल्सो इट रेगुलेट्स एंड सुपरवाइजेज द कोऑपरेटिव बैंक्स एंड आर आर बीज थ्रू आउट एंटायर इंडिया इतना याद रखें आप सेल्फ़ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज प्रोग्राम भी चलाता है नाबार्ड ताकि सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है उनकी बैंक के साथ लिंक हो सके और उनको जो है क्रेडिट मिल सके सेल्फ हेल्प ग्रुप से आप जानते हैं क्या होता है माइक्रो फाइनेंस वगैरह होती है देखिए बैंक रेगुलेशन की बात करें तो नाबार्ड सुपरवाइजर स्टेट कोऑपरेटिव बैंक डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव सेंट्रल बैंक्स रीजनल रूरल बैंक्स ऑल ऑफ दीज आर रेगुलेटेड बाई नाबार्ड ओनली नाबार्ड रिफाइनेंसिंग कैसे करेगा देखिए फंड जो वर्ल्ड बैंक से आया एशियन डेवलप एशियन डेवलपमेंट बैंक से आया कहीं से भी आया है ये आपके स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक को देगा तो रिफाइनेंसिंग होगी उधर से फाइनेंस लिया फिर किसी और को फाइनेंस किया इसके अलावा कुछ जो है स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के अलावा रीजनल रूरल बैंक कॉमर्शियल बैंक वगैरह की भी करता है जो कि आर जिनको भी आर अप्रूवल दे दे अभी के लिए नाबार्ड में आपको इतना ही एक और चीज़ है आर नाम है इसका रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्रिएट किया था रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड वो नाबार्ड के अंदर ही नाइनटीन से 1996 के बीच में क्रिएट किया था और इसका इनिशियल कॉर्पस वगैरह आपको जानने की जरूरत नहीं है चिंता मत करिए आर किस चीज़ के लिए काम करता है एग्रीकल्चर और रिलेटेड सेक्टर के लिए सोशल सेक्टर के लिए रूरल कनेक्टिविटी के लिए इसको पैसे जो है नाबार्ड ही देता है तो नाबार्ड का इंस्टीट्यूशन है नाउ लेट्स नाओटेस्ट टॉक अबाउट डिपार्टमेंट ऑफ फ़िशरीज़ ये डिपार्टमेंट ऑफ़ फ़िशरीज़ का है ये मिनिस्ट्री ऑफ़ एग्रीकल्चर में नहीं है मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री डेरिंग एंड फिशरीज़ पहले तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर में बोल देते थे लेकिन अभी जो मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग है ये जो नया मिनिस्ट्री बना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में मोदी गवर्नमेंट ने बनाया है ये देखिए मई 2019 में बनाया तो ये आपके प्रिलियम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है मोदी गवर्नमेंट ने इसको बनाया है और ये डिपार्टमेंट पहले जो था मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री जो आप देख रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ़ एनिमल हस्बेंड्री डेयरिंग और फिशरीज ये जो आप मिनिस्ट्री आज देख रहे हैं ये पहले एक डिपार्टमेंट था जब वो डिपार्टमेंट था वो तो मिनिस्ट्री ऑफ़ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के अंदर था उसकी स्ट्रक्चर तो मैंने आपको पूरी बता दी है पहले उसके अंदर था अब वहाँ से उस डिपार्टमेंट को निकाल के एक अलग से मिनिस्ट्री बना दिया मई 2019 में मोदी गवर्नमेंट ने और इसको जो है गुजरात का जो गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन वगैरह उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया बोला कि एग्रीकल्चर से जो है अलाइड सेक्टर वाले डिपार्टमेंट को निकालने की जरूरत थी ताकि उस पर जो है अलग से फोकस हो सके देखिए इसके पहले जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो बने थे वो आपके मतलब माउंट वैटन थे है ना ना नाइनटीन से नाइनटीन के अराउंड फिर सी राजगोपालाचारी बने थे राजेंद्र प्रसाद बने थे जवाहरलाल नेहरू बने थे इसके महान इतने राजेंद्र प्रसाद के बाद देख रहे हैं यहाँ पे राजेंद्र प्रसाद हाँ फिर से बने तो इतने महान लोगों ने जो है इसको लीड किया है के मुंशी ने भी लीड किया है इसको देख रहे हैं कितने बड़े बड़े लोग हैं है ना तो यहाँ पर आपको दो चीज़ें जो मैंने तीन बॉडीज़ यहाँ पे हैं एक तो डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज़ हैं तो आपको तो समझ में आ ही गया डिपार्टमेंट ऑफ़ फ़िशरीज़ कहाँ है है ना आपकी मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज और लाइव uh, स्टॉक ये रहा ना फिर से देख लेते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री सॉरी लाइव स्टॉक नहीं मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री डेयरिंग एंड फिशरीज़ है ये तो ये चीज़ें तो डिस्कस हो गई डिपार्टमेंट ऑफ़ फ़िशरीज़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो बोल रहे हैं अब वो मिनिस्ट्री ऑफ़ फिशरीज़ बोल रहे हैं क्योंकि जो गिरिराज किशोर जो मिनिस्टर हैं उनको ये पदभार दे दिया गया है उनके अंदर दो स्टेट मिनिस्टर भी हैं इसके लिए है ना दूसरा ये भी डिस्कस हो गया कि नाबार्ड क्या है अब यहाँ पे ये बिल्कुल जो है रिलेटेड चीज़ तो एक्जैक्टली exactly नहीं है लेकिन जब तमिलनाडु की फ़िशिंग की बात आएगी तो मैं आपको इंडिया का एक इंटरनेशनल रिलेशन का बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पढ़ाना चाहूँगा तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में बहुत बड़ा झगड़ा है फिशरी से रिलेटेड इसीलिए गवर्नमेंट यहाँ पर फोकस कर रही है वो हमारे पूरा पूरे जो है इंटरनेशनल रिलेशन को प्रभावित करता है तमिलनाडु के फिशरमैन की प्रॉब्लम क्या है आप इंडिया का यहाँ पर आप मैप देखिए नीचे वाला पोर्शन है ना अब यहाँ पर तमिलनाडु है अब यहाँ पे आपके श्रीलंका है अब ये जोन जो आप है आप खुद सोचिए कि ये जो आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है वहाँ के तो पूरे रूल्स जो होते हैं टू वगैरह वाले अच्छे से अप्लाई नहीं हो पाते तो एक डिमार्केशन तो की गई है लेकिन फिर भी कई बार जो है कोस्ट गार्ड वगैरह भिड़ जाते हैं कभी आमने सामने हो जाते हैं कभी दिक्कत क्या है कि ये जो तमिलनाडु से फिशरमैन निकलते हैं इंडिया पावरफुल कंट्री है तो थोड़ा ज़्यादा जोश में रहते हैं तमिलनाडु का जो फ़िशरमैन निकलता है कई बार वो जो है अपने एरिया को छोड़ के क्रॉस करके हाई सीज में पहुँच जाता है आपके श्रीलंका के कोस्टल वाटर में अब श्रीलंका के जो मरीन है उनका जो कोस्ट गार्ड है उनको कई बार पकड़ लेती है तो यहाँ पे एक कन्फ्लिक्ट हो जाता है एक बार फायरिंग भी कर दी थी तो एक आपका तमिलनाडु का फिशरमैन मारा भी गया था श्रीलंका यहाँ पे बहुत गलत नहीं है एक्चुअली आपके तमिलनाडु के फिशरमैन कई बार क्रॉस कर जाते हैं इसीलिए उनके लिए कई तो वार्निंग सिस्टम भी बनवाई है ना सेटलाइट वगैरह से रिलेट करके ये भी मैंने आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी में पढ़ाया तो यहाँ बहुत फोकस किया जा रहा है यहाँ पे बहुत फ्रिक्शन है ये इधर पहुँच जाते हैं तो श्रीलंका के जो लोग हैं उनको पकड़ लेते हैं वहाँ की जो नेवी पकड़ लेगी कोस्ट गार्ड पकड़ लेगा ये तो चलिए आपकी सिक्योरिटी वगैरह का इशू हुआ लेकिन एक बहुत बड़ा इशू है तमिलनाडु के जो फ़िशर मैन है यहाँ पे बहुत टाइम से वर्षों से कहीं कि हज़ारों सालों से फिशिंग कर रहे हैं पहले तो सिंपल था एक सस्टेनेबल फ़िशिंग होती थी अब भूख इतनी बढ़ गई कि यहाँ पे फिशिंग इतनी ज़्यादा होती कि ट्रॉलर यूज़ करते हैं ट्रॉलर अब ट्रॉलर फ़िशिंग जो है बिल्कुल अनसस्टेनेबल मेथड ऑफ़ फ़िशिंग है इसमें आप क्या करते हो कि ऊपर तो एक बोट चलाते हो बोट चल रही है नीचे पानी है कोई दिक्कत नहीं लेकिन बोर्ड के नीचे ट्रॉलर लगा हुआ था ट्रॉवल क्या ट्रॉलर क्या करता है ये यहाँ पे फिशिंग नहीं करता अपर लेयर में ये सीधे सीधे पूरा जो ड्रेजिंग करता जाता है ना ट्रॉलिंग करता जाता है तो पूरा जो इकोसिस्टम में जो भी चीज़ें होंगी फिश के अलावा नेट थोड़े लगा रहे हो पूरा ट्रॉलर चला रहे हो सबको खरोचता हुआ निकल जाता है कंडीशन ये हो गई कि श्रीलंका वाले ये कह रहे हैं कि आप फिशिंग कर रहे हो अलग बात है पूरा आपने यहाँ का इको ही बर्बाद कर दिया स्पॉन्जेस खत्म कर दोगे यहाँ कुछ और ऑर्गेनिजम होंगे वो भी ख़त्म कर दोगे सारा जो नीचे के बायोडाइवर्सिटी है सारा जो ड्रेज कर दोगे आप ट्रॉलर के चक्कर में फिशिंग के चक्कर में तो काफ़ी अनसस्टेनेबल फिशिंग मेथड है तो अब सरकार क्या करे दिल्ली में जो बैठी वो क्या करे तमिल को खुश करे श्रीलंकन को खुश करे इंटरनेशनल रिलेशन क्या करे तो सरकार इनके लिए कुछ तो ऐसा सिस्टम लगाती है टेक्नोलॉजिकल कि वो पहले तो उनके कोस्टल वाटर में जाए ना दूसरा सरकार ये भी कोशिश कर रही है कि ट्रॉ फिश, ट्रॉलर फिशिंग जो है उसको बैन वैन किया जाए और साथ ही इनका जो है फ़िशिंग अच्छे से डेवलपमेंट करा दिया जा जाए ताकि ये ज़्यादा श्रीलंका के वाटर में जाएँ ही ना मछली के चक्कर में इसीलिए इस तरह की एक्टिविटीज़ हो रही हैं फिशरीज़ एंड एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट क्रिएट किया जा रहा है आपके तमिलनाडु गवर्नमेंट के लिए ये एरिया देख रहे हैं यहाँ पे यहाँ पे कंफ्लिक्ट है बहुत ज़्यादा ये वाले एरिया में ये देख रहे हैं ऑलमोस्ट मतलब टचिंग है तो यहाँ पे तो इशू आएगा ही अब देखिए ना कार्नेजी इंडिया कारनेजी का ही इंडिया का आर्टिकल है उसमें पब्लिश किया हुआ है अब देखिए टाइम्स नाउ में पब्लिश किया हुआ है द हिंदू में पब्लिश किया हुआ है

जो फ्रिक्वेंट पोचिंग बाई इंडियन फिशरमैन इन श्रीलंकन वाटर जो आप यहाँ से जाते हो और आपके श्रीलंकन वाटर में घुस के जाके फिश को मारते हो डैमेजिंग इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल इफेक्ट्स ऑफ ट्रॉलिंग ट्रॉलिंग सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आप इमेज देखना चाहेंगे ट्रॉलर की ये ये सारी इमेजेस देख रहे हैं आप ट्रॉलिंग ऐसे की जाती है पूरा नीचे तक ये फैल जाएगा है ना ये देखिए यहाँ इतना बड़ा लगा के रखा है नीचे की ये इमेजेस हैं देखिए ऊपर तो आपको छोटा सा शिप दिखेगा पूरा नीचे ड्रेस करता हुआ निकल जाएगा ऐसे करता है ट्रॉलर तो ये कोई सस्टेनेबल फिशिंग थोड़े ना हो ये देखिए इमेज देख रहे हैं ये आप बताइए इसमें जो है आप बॉटम ट्रॉलिंग कर रहे हो ये से तो पूरा रीफ डिस्ट्रॉय हो जाएगा सेडिमेंट जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा बॉटम डिलिंग मरीन लाइफ जो है वो सारे डिस्ट्रक्ट हो जाएंगे प्लूम क्रिएट प्लूम दैट कैन बी सीन फ्रॉम द स्पेस प्लूम बन जाएगा खाली बन जाएगा यहाँ पे देखिए इसमें तो फिश तो आएंगे ही लेकिन आप खुद सोचिए ना आगे ट्रॉलिंग करेगा तो ये सारे को मार डालेगा तो ये होती है बहुत बड़ी प्रॉब्लम पॉक बे जो है एक किलोमीटर लेंथ में है और जो इसकी चौड़ाई है चौंसठ से लेकर एक किलोमीटर है और इसकी विथ जो है ओवरऑल इसको डिवाइड किया गया है जो आपके इंडिया और श्रीलंका के बीच में तो इंटरनेशनल मैरी बाउंड्री लाइन के हिसाब से डिवाइड किया गया है आपके फाइव जो है इंडियन डिस्ट्रिक्ट आपके इधर लाई करते हैं बॉर्डर के साइड तमिलनाडु के और श्रीलंका के तीन डिस्ट्रिक्ट लाई करते हैं नॉर्दर्न श्रीलंका के कितने फिशरमैन हैं देखिए आपको समझ में आ जाएगा प्रॉब्लम क्या है दो लाख बासठ हज़ार टू लाख सिक्सटी टू थाउजेंड था। फिशरमैन इंडियन साइड में है और उसके आधे ऑलमोस्ट आधे से भी कम आपके श्रीलंकन साइड में तो यही कन्फ्लिक्ट है ऊपर से आप उनके वाटर में घुस जाते हो बाकी कच्चा थेऊू वाला जो आइलैंड का कन्फ्लिक्ट है जब मैं आपको इंडिया श्रीलंका रिलेशन पढ़ाऊंगा प्रोबेबली प्रोबेबलीस के बाद ही क्योंकि मेरा बहुत एग्जॉस्टिव कवरेज होगा जो भी होगा तो मैं आपको ये बाद में पढ़ा दूंगा है ना लेकिन अभी इसको डिस्कस नहीं करेंगे डिस्प्यूटेड एरिया माना जाता है सोवरेंटी ओर कच्चा थेवू हालांकि प्रॉब्लम ऑलमोस्ट सॉल्व हो गई है इंडिया ने ऑलरेडी जो है पॉक बे में कच्चा थेवू आइलैंड को श्रीलंका को सीड कर दिया लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने किया जो तमिलनाडु की गवर्नमेंट है वो हमेशा खिलाफ रहती है वो बोलती कि नहीं आपने इसको क्यों सीड किया ये तो हमसे बिलोंग करता था देखिए तमिलनाडु गवर्नमेंट ने भी कुछ कुछ काम किया है उन्होंने रेगुलेशन निकाला था तमिलनाडु मरीन फिशरीज़ रेगुलेशन एक्ट 1983 में ही उसमें ये कंडीशन डाली गई है कि ट्रॉलर या कोई भी मैकेनाइज बोट जो है वो थ्री नॉटिकल माइल्स जो है इंडियन कोस्ट के बाहर जाके फिशिंग नहीं करेगा तीन नॉटिकल माइल तक अलाउड है उसके बाहर नहीं करेगा लेकिन फिशरमैन मानेगा क्या नहीं वो चला जाता है नहीं सॉरी ये ये बोल रहे हैं कि शुड नॉट कैच फिश विद इन थ्री नॉटिकल माइल ये इसलिए था अच्छा ये स्वार्थी हैं कि तीन नॉटिकल माइल के अंदर मैं फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ तमिलनाडु गवर्नमेंट ने ये नोटिफिकेशन निकाला कि ये हमारा तमिलनाडु है कोस्टल एरिया से तीन नॉटिकल माइल तक तीन नॉटिकल माइल तक जो फिशिंग होगी वो आपके जो ट्रेडिशनल आर्टिशनल फिशरमैन हैं जो नॉर्मल जो कि कोई भी मैकेज बोट यूज़ नहीं करते ट्रॉलिंग नहीं यूज़ करते उनके लिए रिजर्व रहेगा इतना एरिया उसके बाहर जो होगी वो ट्रॉलर के जो है चला सकते हैं उस पर अब बाहर ट्रॉलर चला सकते हो तो श्रीलंका को प्रॉब्लम है बाहर पहुंचोगे तो श्रीलंका पहुंच जाओगे आई एम सॉरी एक्सप्लेनेशन में थोड़ा उल्टा हो गया बट इसको आप याद रखिएगा तीन नॉटिकल माइल तक जो है ट्रॉलर अलाउड नहीं है नॉर्मल जो आर्टिशनल जो जनरल एक फिशरमैन होता है जो नॉन मैकेज्ड बोट यूज़ करता है उसके लिए रिजर्व किया हुआ है तीन नॉटिकल माइल का एरिया उसके बाहर ट्रॉलिंग वगैरह अलाउड है अब जो है मेन टॉपिक पे आइए कि इन्होंने जो एफ क्रिएट किया है मतलब क्या है फिशरीज़ एंड एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड इसको बोल रहे हैं एफ फिशरीज एंड एक्वाकल्चर साथ में है उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर है फिर डेवलपमेंट फंड है अब यहाँ पे जो मेन टॉपिक था जो मैंने आपको ऊपर तीन चीज़ें बताई चार चीज़ें बताई वही इंपॉर्टेंट थी ये कम इंपॉर्टेंट है तो क्या करेंगे इसमें वो सुन लीजिए एक बार सबसे पहले तो ये करेंगे कि एफ आई डी एफ इन्वेस्टाइज क्रिएशन ऑफ फिशरीज इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे मरीन के लिए भी और इनलैंड फिशरी के लिए भी कहाँ आपके तमिलनाडु में और फिश के प्रोडक्शन को ऑगमेंट करेंगे और 15 मिलियन टन्स का जो टारगेट है 2020 का अंडर द ब्लू रिवॉल्यूशन ब्लू रिवॉल्यूशन क्या होता है सिंपल ब्लू रिवॉल्यूशन मतलब होता है टाइम ऑफ इंटेंस ग्रोथ इन वर्ल्ड वाइड एक्वा इंडस्ट्री ये नाइनटीन सिक्सटीज़ से शुरू हो गया तो इंडिया भी ब्लू रिवॉल्यूशन को अपना रहा है जस्ट लाइक ग्रीन रिवॉल्यूशन एंड व्हाइट रिवॉल्यूशन तो इंडिया जो है ब्लू रिवॉल्यूशन कर रहा है ताकि इसमें ज़्यादा प्रोडक्शन वगैरह हो तो ब्लू रिवॉल्यूशन करना है तो आपको जो है एक्वाकल्चर फिशरी ये पे ध्यान देना पड़ेगा तो हमने इंडिया के ब्लू रिवॉल्यूशन के टारगेट में रखा है फिफ्टीन मिलियन टनस जो है फिश का प्रोडक्शन का टारगेट रखा है टू तक तो तमिलनाडु पर फोकस किया हमने कॉन्सेसनल फाइनेंस दो आपको एलिजिबल एंटिटीज़ को चाहे वो फिशरी का कोऑपरेटिव हो सकता है इंडिविजुअल हो सकता है कोई ऑन्टरप्रेनर हो सकता है तो उन सारे के डेवलपमेंट के लिए फिशरी के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हम एक तो कॉन्सेसनल कम रेट पे फाइनेंस प्रोवाइड करेगा कौन एफ क्योंकि नाबार्ड मदद कर रहा है दूसरा जो आपका नाबार्ड है उसके अलावा जो नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन होता है नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन तो मैंने आपको पढ़ा दिया बहुत पहले लेकिन फिर भी अगर आप जानना चाहें तो नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन क्या है एक स्टैट्यूटोरी कॉरपोरेशन है पहले याद रखें एक एक्ट से बनाया गया इंडियन पार्लियामेंट के 1963 में बनाया गया था इसका ऑब्जेक्टिव है प्लानिंग एंड प्रमोटिंग प्रोग्राम्स फॉर प्रोडक्शन प्रोसेसिंग मार्केटिंग स्टोरेज एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस फूड स्टॉप इंडस्ट्रियल ग्रोथ लाइव स्टॉक्स एन सर्टेन अदर नोटिफाइड कमोडिटीज एंड सर्विसेज ऑन ऑपरेटिव प्रिंसिपल कपरेटिव प्रिंसिपल के आधार पर जो है आपके एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल लाइव स्टॉक इन सारी चीज़ों का जो है प्रोडक्शन को बढ़ावा देना प्रमोट करना प्लान करना ये सारा काम किसका है नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कारपोरेशन का है जो कि एक एक्ट से बनाया गया ये होता का है ये याद रखना है मैंने पहले भी बताया था ये मिनिस्ट्री ऑफ़ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंदर होता है ये और इसका जो हेड क्वार्टर है ऑब्वियसली आपके न्यू डेली में होगा तो नाबार्ड नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कारपोरेशन और सारे जो हैं स्केडूल्ड कमर्शियल बैंक ये नोडल लोनिंग नोडल लोनिंग एंटिटीज़ बनेंगी किस प्रोग्राम के अंदर एफ के अंदर और कॉन्सेस फाइनेंस प्रोवाइड करेंगे तो कल क्वेश्चन में ये भी आ सकता है कि ये जो एफ एफ फंड बनाया गया है तो उसमें नोडल लोनिंग एजेंसीज या नोडल लोनिंग एंटिटीज़ कौन हैं शंकर ने इस पर एक क्वेश्चन भी सीधा पूछा था मैं आपको दिखा रहा हूँ आप उसको देखेंगे तो आप इसकी इंपॉर्टेंस जो है समझ जाएंगे एक बार है ना ये देखिए विच फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूट्स आर द नोडल लोनिंग एंटिटीज अंडर फिशरीज एंड एक्वा स्ट्रक्चर एक्वा कल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड एफ एफ में कौन सी एंटिटीज़ जो हैं वो नोडल लोनिंग एंटिटीज़ हैं तो देखिए तीन है इसमें एक तो नाबार्ड है दूसरा जो एनसीडीसी है नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और सारे काड्यूल्ड कमर्शियल बैंक जो इसमें नोडल लोनिंग एंटिटीज की तरह काउंट होंगे तो ये आपको याद रखना है डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एंड एनिमल हस्बेंड्री जो मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एंड एनिमल हस्बेंड्री एंड डेरिंग अभी आपको पढ़ाया मैंने 2019 में जो बनाया है उसका जो डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज है एंड डेरिंग एंड अंडर द एफ आई डी एफ प्रोवाइड्स इंटरेस्ट सबवेंशन अप टू थ्री परसेंट पर एनम इंटरेस्ट सबवेंशन मैंने आपको पूरा जो है क्लियर करा दिया कि जो आपकी नॉर्मल इंटरेस्ट होती है गवर्नमेंट उसमें थोड़ा कॉन्ट्रीब्यूट कर दे तो उसको इंटरेस्ट सबवेंशन बोलते हैं तो इंटरेस्ट सबवेंशन कितना दिया जाएगा थ्री परसेंट पर एनम फॉर प्रोवाइडिंग द कॉन्स्टेशनल फाइनेंस बाई द एनएलज ये जो नोडल लोनिंग एंटिटीज हैं जब आपको ये देंगी फाइनेंस देंगी एफ आई डी एफ के लिए तो उसमें गवर्नमेंट जो है थ्री परसेंट पर एनम का आपको इंटरेस्ट सबवेंशन देगी एंड इंटरेस्ट रेट नॉट लोअर देन फाइव परसेंट पर एनम 5% फाइव परसेंट से पर एनम से नीचे नहीं होना चाहिए तो मान लीजिए आठ का था तो उसको गवर्नमेंट जो है माइनस तीन कर देगी सबवेंशन दे देगी और पाँच परसेंट हो जाएगा लेकिन ऑलरेडी अगर पाँच परसेंट था तो गवर्नमेंट आपको जो है पाँच परसेंट ही मेंटेन करेगी तब तीन नहीं घटाएगी समझे मिनिमम जो है फ़ाइव परसेंट पर एनम होना चाहिए तो चलिए थोड़े फैक्ट वाइट्स देखते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन इंडियन फिशरीज एंड एक्वाकल्चर इज एन इंपॉर्टेंट सेक्टर ऑफ फूड प्रोडक्शन ऑब्वियसली अभी मछली खाइए विटामिन ए मिलता है न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी मिलती है लाइवलीहुड सपोर्ट भी मिलता है जो मछुआरे हैं उनको और एक गेनफुल एम्प्लॉयमेंट मिलता है क्योंकि कई बार प्रॉफिट होती है कितने लोग इसमें एम्प्लॉयड हैं फोर्टीन मिलियन पीपल इंडिया के लोग जो हैं मछुआरे हैं इसमें एम्प्लॉयड हैं इंडिया सेकंड लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसर है पूरे वर्ल्ड में फर्स्ट पे कौन है जापान है टोटल प्रोडक्शन हमारा कितना है थर्टीन मिलियन मेट्रिक टन था टू थाउजेंड में और उसमें से सिक्सटी जो है वो इनलैंड से है मरीन वाला कितना कम डेवलप्ड है सोचिए ब्लू इकोनॉमी के नाम पे कुछ नहीं 65 परसेंट इनलैंड है जो आपके तालाब पोखर नदी हो गए उससे है बाकी 35 परसेंट मरीन सेक्टर से है इनलैंड में कौन सी मछली खाना पसंद करेंगे मार्केट में क्या मिलता है रोहू कतला सबसे ज़्यादा मिलता है मेरा फेवरेट उसके अलावा मृगाल वगैरह हैं तो कल को यूपीएससी पूछ सकता है कि वाटर कतला रोहू एंड मृगाल्स तो आपको याद रखना चाहिए कि मछली है बाकी मैं सारे की फोटो जो है खाते हुए आपको भेज दूंगा तो आप भी जो है जलिएगा और देखिएगा आपको मजा आएगा मरीन सेक्टर में जाएंगे तो कौन कौन सी मछलियाँ होती हैं जो कि थर्टी फाइव परसेंट जहाँ से आ रहा है आपका मरीन सेक्टर से सिक्सटी फाइव परसेंट इनलैंड से तो मरीन में ऑयल सार्डाइंस टूनास वेरी हेल्दी वेरी हेल्दी कुछ देखिए क्रैब को भी बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जो है क्रैब आला के फेस तो नहीं हुआ बट एनी मरीन एल्गी ये जो आपके मरीन सेक्टर से चीज़ें आ रही ओवरऑल बताया ये आपके जो है मरीन एलगी और क्रैब कोई फिश नहीं होते बट एनी चलिए आगे ऑलमोस्ट फिफ्टी परसेंट ऑफ़ द टोटल प्रोडक्शन इज फ्रॉम कल्चर फिशरीज एंड इंडियाज प्रोडक्शन कॉन्स्टिट्यूट अबाउट सिक्स पॉइंट थ्री परसेंट ऑफ द ग्लोबल फिश प्रोडक्शन कल्चर फिशरी क्या होती है एक नॉर्मल नेचुरल फिशरी हो रही है जहाँ पे मछलियाँ जो हैं अपने हिसाब से पैदा हो रही हैं आप एक क्या कर रहे हो मछली के दाने डाल रहे हो डालोलिंग सीडलिंग्स डाल रहे हो ये बड़े अच्छे से किसी मैंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी में शायद कंप्ली ये बताया मछली के दाने डाल रहे हो मतलब छोटे सीडलिंग डाल रहे हो और वो जो है फिर बाद में उससे मछलियाँ हो रही हैं तो आपका जो कंट्री में प्रोडक्शन हो रहा है तो हाफ़ जो है वो आपके कल्चर फिशरीज से है और हाफ़ जो है नॉर्मल ट्रेडिशनल फिशरीज से है इंडिया का जो प्रोडक्शन है फिश पूरा जो ग्लोबल फिश प्रोडक्शन में 6.3 परसेंट और नंबर पे कितने हैं टू पे वन पे कौन है जापान ओवरऑल हमारा मार्केट कितना है प्रोडक्शन में सिक्स पॉइंट थ्री परसेंट ग्लोबल लेवल पे और नंबर कितना है उसका फोर्टीन मिलियन पीपल इंप्लाइड हैं और हम कितना मिलियन प्रोड्यूस करते हैं थर्टीन पॉइंट सेवन मिलियन मेट्रिक टन प्रोड्यूस करते हैं वजन के हिसाब से लेकिन एक बड़ी अच्छी बात है ये जो आपका सेक्टर है फिशरी का दैट अकाउंट्स फॉर ऑलमोस्ट टेन परसेंट ऑफ द टोटल एक्सपोर्ट्स टोटल एक्सपोर्ट में आपके टेन परसेंट जाता है ओवरऑल इंडिया के एक्सपोर्ट में टेन परसेंट आपकी फिशरी जाती है मछली जाती है सोचिए क्योंकि आप सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हो ना और अगर एग्रीकल्चर अगर के प्रोड्यूस की बात करें चूंकि एलाइट सेक्टर है एग्रीकल्चर का तो एग्रीकल्चर में काउंट कर रहे हैं तो वहाँ पे 20 परसेंट आपकी फ़िशरी से जाती है हो गया फिशरी में इतना ही पढ़ना और मछलियाँ देखनी हो तो आप जो है मेरा टेलीग्राम जो ग्रुप ज्वाइन करें या फिर चैनल ज्वाइन कर सकते हैं चैनल का नाम जो है अभिनव सिंह ऑफिशियल है मेरा आशीष का भी चैनल ज्वाइन कर सकते हैं अभिनव में ए बी एच आई एन ए डब्ल्यू है और उसके बाद ऑफिशियल है देर इज़ नो स्पेस आप इसको ज्वाइन करिए मैं वहाँ पर आपको मछलियों की फ़ोटो डालूंगा डेयरी सेक्टर ऐसे एग्जाम देने के पहले भी मछली देख के जाइएगा तो ये मैं आप जो है ग्रुप में डाल दूंगा मैं तीन जून को तीन अक्टूबर को सॉरी अब तो डेट चेंज हो गई यार डेयरी सेक्टर की बात करते हैं दूध पालन मछली पालन हो गया अब दूध की बात करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ मेड सम चेंजेज इन डेयरी प्रोसेसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड स्कीम ये कोई एक स्कीम है जैसे आपका फिशरी के लिए क्या था एफ डेयरी के लिए क्या है आपका फंड डेयरी प्रोसेसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड डी डी के स्कीम में थोड़ा सा चेंज किया गया है वही चेंज जो हमें पढ़ना है डेयरी के न्यूज़ में चलिए पहले विकास पीडिया से डी पढ़ लेते हैं डेयरी प्रोसेसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड ऑब्जेक्टिव क्या था टू इंश्योर दैट डेयरी कॉपरेटिव डेयरी के जो कॉपरेटिव हैं वो कॉम्पिटिटिव रहे मार्केट में और सस्टेनड बेनिफिट हो फार्मर्स को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया कि हम क्रिएट करेंगे डेयरी प्रोसेसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड और ये भी जो है नाबार्ड के अंदर होगा टोटल कॉर्पस आठ हज़ार करोड़ का बनाया और बोला कि तीन साल तक करेंगे ये 2017 में बनाया गया तो 2017 से 20 तक की प्लान थी ये यूनियन बजट 2017-18 में ही अनाउंस हुआ था तो काइंड ऑफ करेंट अफेयर है यूपीएससी के हिसाब से उसी स्कीम में चेंज किया गया है ना उसको बढ़ाया गया दो के बाद भी चलेगा चिंता मत करिए दूध पालन करिए आराम से नाबार्ड जो है आपको यहाँ पे एफ आई सॉरी एफ तो मछली के लिए डी के थ्रू जो नाबार्ड आपको पैसे देगा फंडिंग कैसे की जाएगी एक इंटरेस्ट बेयरिंग लोन दिया जाएगा विच विल फ्लो फ्राम नबार्ड टू नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के पास जाएगा या नेशनल कऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है ना नेशनल कऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन दिल्ली में जो है है ना और ये किसको देंगे एलिजिबल एंड बॉरवर को देंगे लेकिन नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड नहीं पढ़ाया था ये क्या होता है ये एक इंस्टीट्यूशन है नेशनल इंपॉर्टेंस का इसको एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट के थ्रू बनाया गया इतना important है इतना इंपॉर्टेंट है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड तो मैं कैसे छोड़ दूँ अस्टैट्यूटोरी इंस्टीट्यूशन है भाई नेशनल इंपॉर्टेंस का इंस्टीट्यूशन है ऑफिस है गुजरात के आनंद में गुजरात के आनंद में वहीं पर इंडियन रूरल मैनेजमेंट अकेडमी भी है इर्मा जिसको बोलते हो ना आप और इसके रीजनल ऑफिसेज जो हैं थ्रू आउट द कंट्री में है तो दिस इज नॉट ओनली गुजरात गवर्नमेंट का है ना एनडीडीबी जो है ऑफिस तो आपके आनंद में है लेकिन इसके ऑफिसेज जो हैं आपके पूरे कंट्री में हैं एनडीडी बीच सब्सिडियरीज की बात करें तो आई लिमिटेड आनंद मदर डेयरी हाँ दिल्ली वाले याद रखें मदर डेयरी इसी का सब्सिडियरी है है ना इंडियन इम्यूनोलॉजिकल इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड हैदराबाद ये सब इसके सब्सिडियरी हैं इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस है याद रखिए 1965 में बनाया गया था फाउंडर कौन सा आपको पता है वर्गीज कुरियन अब समझ में आई इंपॉर्टेंस कैसे बना था फाउंडेड बाई डॉक्टर वर्गीज कुरियन द नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड वॉज क्रिएटेड इन नाइनटीन फुलफिलिंग द डिजायर ऑफ देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया लाल बहादुर शास्त्री का बहुत मन था कि एक्सटेंड करें जो आपका कायरा कॉपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर का जो सक्सेस हुआ उसको अदर पार्ट ऑफ इंडिया अमूल अमूल जो आप देख रहे हो अमूल जो देख रहे हो वो कायरा कॉपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर का जो एक कॉपरेटिव था कायरा कॉपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर जो था वही आज अमूल है इसकी जो सक्सेस हुई गुजरात में तो देख के लाल बहादुर शास्त्री ने बोला कि एक नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड बना देते हैं वर्गीज कुरियन आप हमारी मदद करिए आप इसमें प्रिसाइड करिए ये इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस बनेगा पूरे कंट्री में कायरा कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर की सक्सेस को फैलाएंगे जो कि आज अमूल कहा जाता है द मेजर सक्सेस ऑफ दिस मिशन ये जो बनाया उन्होंने एन वाज अचीवमेंट थ्रू द वर्ल्ड बैंक फाइनेंस्ड वर्ल्ड बैंक ने फाइनेंस किया था ऑपरेशन फ्लड को और 26 सिक्स ईयर ये ऑपरेशन फ्लड चला 1970 से 1996 में और पूरे कंट्री में जो है दूध की उत्पादन बढ़ गई और इंडिया जो है वर्ल्ड की लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर बन गई देखिए 1996 तक चला था ये ऑपरेशन फ्लड जो यहीं पे जो है एन ने शुरुआत की थी और वर्गीज कुरियन ने मदद की थी यहाँ पे देखिए अमूल क्या है इंडियन डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी कायरा वाली ये भी आनंद में है है ना आनंद में ही जो है एनडीडी का ऑफिस भी बनाया हमने अमूल बनी थी नाइनटीन में है ना उस समय पर इसको गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन के नाम से जाना जाता था इसकी जो कॉपरेशन कोऑपरेटिव की जो बॉडी थी गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन जी याद रखिए और जो आज जो है इसमें थर्टी सिक्स लाख मिल्क प्रोड्यूसर हैं गुजरात के अमूल ने ही इंडिया में वाइट रिवॉल्यूशन की शुरुआत की थी और उसके बाद इंडिया जो है नाइनटीन नाइन्टी सिक्स तक ये चला आपका व्हाइट रिवॉल्यूशन इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर होगी मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट की अमूल की शुरुआत जो है वो त्रिभुवन दास पटेल ने की थी और गाइडेंस मिली थी सरदार वल्लभ भाई पटेल की ये भी गुजराती थे ना एज ए रिजल्ट कायरा डिस्ट्रिक्ट मिल्क यूनियन लिमिटेड बज बॉर्न सबसे पहले कायरा डिस्ट्रिक्ट मिल्क यूनियन बना 1946 में और इसी को बाद में अमूल बना दिया गया इसकी जो गवर्निंग बॉडी बनी वो गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन आज जी जो है अमूल को आपको वो आ, मैनेज करती है ये जो आपके त्रिभुवन दास थे उन्होंने तो बनाया पहले आपका ये कायरा मिल्क फेडरेशन वगैरह उन्होंने ही हायर किया था डॉक्टर वर्गीज कुरियन को 1949 में और वर्गीज कुरियन ने इसको पूरा जो है बढ़िया से आगे लेके सक्सेसफुल बनाते हैं और चीज़ें बहुत आगे बढ़ जाती हैं बाकी त्रिभुवन दास पटेल जो है उनकी डेथ हो गई थी नाइनटीन में तब तक उन्होंने अमूल की गजब की सक्सेस देख ली थी कुरियन जो थे फाउंडर चेयरमैन बने जी सी के गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क माड्रेशन मार्केटिंग फेडरेशन जो कि अमूल को मैनेज करती है तीस साल तक उन्होंने जो है उसके चेयरमैन बन के काम किया टू तक और उन्हीं को जो है अमूल की मार्केटिंग के लिए सक्सेसफुल बोला जाता है और इंडिया में जो है वाइट रिवॉल्यूशन का भी उनको क्रेडिट दिया जाता है फादर ऑफ वाइट रिवॉल्यूशन इन इंडिया डॉक्टर वर्गीज कुरिया डेथ 2012 में इनकी हो गई ये सोशल ऑन्टरप्रेनियर थे ऐसा ऑन्टरप्रेनरशिप जिसमें कि प्रॉफिट भी हो और एक सोसाइटी की डेवलपमेंट भी हो उसको सोशल ऑन्टरप्रनियरशिप बोलते हैं इनका जो आइडिया था बिलियन लीटर आइडिया था ऑपरेशन प्लट इंडिया में बिलियन लीटर की प्रोडक्शन हो डेयरी कोऑपरेटिव जो आनंद मॉडल पे था इन्होंने एनडीडीबी के जब चेयरमैन बने तो पूरे इंडिया में चलाया देखिए इनका जन्म जो है कालीकट मद्रास प्रेसिडेंसी ब्रिटिश इंडिया कोजिकोड में हुआ था मृत्यु देखिए उनकी वहीं गुजरात में ही हुई इनका एक और क्रेडिट है उन्होंने अपने टाइम पे इंडिया को सेल्फ सफिशियंट बनाया था एडिबल ऑयल में समझे? ये भी याद रखिए अब अब है क्या है इंडिया नो no, इंडिया बहुत जो है ऑयल बाहर से इम्पोर्ट कर आगे बताऊंगा। ऑपरेशन फ्लैड। तेरह जनवरी 1970 को लॉन्च किया गया था वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम था लैंडमार्क प्रोजेक्ट था नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड का जो कि मैंने आपको पढ़ा दिया तो इसके बाद जो है इंडिया जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर मिल्कि बन जाती है यूनाइटेड स्टेट को पास करती है इंडिया नाइनटीन में नाइन्टीन में इंडिया जो है ऑपरेशन फ्लड के कारण नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के कारण डॉक्टर वर्गीज कुरियन के कारण अमूल की शुरुआत की इनिशिएटिव की जो है पूरे कंट्री में रिप्लिकेट करने के कारण 1998 में इंडिया यूएसए को मिल्क प्रोडक्शन में सरपास करके वर्ल्ड के लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर बन जाती है ग्लोबल आउटपुट में मिल्क का हमारा 17 परसेंट था अगर हम बात करें 2010 हज़ार -201 दस की तो 30 सालों में जो हमने ऑपरेशन फ्लड में अपना मिल्क प्रोडक्शन डबल कर लिया था पर पर्सन अवेलेबिलिटी जो है डबल कर लिया था इसी को जो है हम लोग व्हाइट रिवोल्यूशन बोलते हैं अवार्ड मिला यस yes, पद्म विभूषण दिया गया इनको 1999 में इसके अलावा और भी कई चीज़ें हैं कृषि रत्न पद्म भूषण भी दिया गया था पहले पद्मश्री दिया गया पद्म भूषण दिया गया फिर पद्म विभूषण तक दे दिया गया एक बस भारत रत्न नहीं मिला बाकी सारी चीज़ें मिल गई वर्ल्ड फूड प्राइज़ भी इनको मिला है इंटरनेशनल पर्सन ऑफ द ईयर बने हैं लेकिन एक मेन जो आपको और याद रखनी है रैमन मैक्स से अवार्ड भी इनको मिला हुआ है नाइनटीन में मैपिंग छूट गया रे भाई वाह आनंद कहाँ है आनंद यहाँ रहा गल्फ ऑफ खंबाद के आसपास आनंद कहाँ है आनंद इज द ट्विन सिटी ऑफ वडोदड़ा वदोदड़ा से 35 किलोमीटर की दूरी पे है और आनंद वहाँ पे है याद रहेगा अब आपको आनंद डिस्ट्रिक्ट अलग से बना दिया गया है अब ठीक है एक एक और चीज़ एक और चीज़ इट इज़ ए पार्ट ऑफ द रीजन नोन है चारोतार कंसिस्टिंग ऑफ आनंद एंड खेड़ा डिस्ट्रिक्ट यहीं पे खेड़ा डिस्ट्रिक्ट भी है तो खेड़ा सत्याग्रह भी जो आप समझ रहे हैं अब वल्लभ भाई पटेल का यहाँ पे क्यों जो है मन था कि डेयरी डेवलपमेंट हो क्योंकि खेड़ा के आसपास है खेड़ा सत्याग्रह सरदार वल्लभ भाई पटेल पढ़ाया तो है स्पेक्ट्रम में यहीं पे इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट आनंद है इर्मा कैट वगैरह और जेट वगैरह से यहाँ पे एडमिशन होती है तो आप भी ले सकते हैं अच्छी खासी पैकेज भी मिलती है और ये लोग बहुत दूध के धुले एक्चुअली हैं बहुत यहाँ से ईमानदार लोग निकलते हैं बहुत अच्छी पढ़ाई होती है रूरल डेवलपमेंट में तो कई लोग जो है यहाँ पर एडमिशन लेते हैं जान के भारत को डेवलप करने के लिए जस्ट लाइक यो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज स्टेस वहाँ भी यही है ईमानदारी है अच्छे लोग डेवलपमेंट के लिए वहाँ पे इंडिया के एडमिशन लेते हैं तो उसी तरह इरमा भी है तो डेयरी सेक्टर में वही न्यूज़ है कि गवर्नमेंट कुछ चेंजेस कर रही है डेयरी प्रोसेसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड जो स्कीम लेकर आई थी दो से बीस के लिए उसमें चेंजेस कर रही है पहले तो गवर्नमेंट ये कर रही है कि इंटरेस्ट सबवेंशन जो है या सब्सिडी जो दे रही है लोन पे उसको इंक्रीज कर रही डेयरी सेक्टर में पहले टू परसेंट इसमें देती थी डी में सबवेंशन अब टू पॉइंट फाइव परसेंट दे रही है फिशरी वाले में कितना बोला था एफ में थ्री परसेंट फंडिंग पीरियड ऑफ द स्कीम इज रिवाइज अर्लियर पहले कितना बताया था मैंने आपको 17 से 2020 बोला था ना तीन साल बजट में आया था 2017-18 में लेकिन बोला था 20 तक चलेगा अब बोल रहे हैं कि नहीं 2023 तक चलाएंगे एंड रिपेमेंट पीरियड हैज़ बीन एक्सटेंडेड 2030 से तीस तक आप जो है यहाँ से फंडिंग जो मिलेगी आप उसका रिपेमेंट कर सकते हो याद रखने की जरूरत यहाँ पे ये नहीं है याद ये रखना है कि 2023 तक इसको जो है एक्सटेंड कर दिया स्कीम को इट ऑल्सो फंडिंग 23 तक रिपेमेंट 31 तक दैट डजेंट मीन कि तेईस के तेईस के बाद भी आप फंडिंग लोगे नहीं तेईस के बाद बोल रहे हैं अभी तक हो सकता है एक्सटेंड करेंगे लेकिन अभी तक ये बोल रहे हैं कि तेईस के बाद आपको फंडिंग नहीं मिलेगी रिपेमेंट हालाँकि आप जो है इकतीस तक कर सकते हो ये भी प्रपोज़ किया गया है कि इंडिया में क्वालिटी मिल्क प्रोग्राम चल रहा है कोऑपरेटिव के लिए प्राइवेट सेक्टर दोनों के लिए तो उसको भी इंटेंसीफाई करेगा फंड की जो शेयरिंग बेसिस पे फंड जो है शेयरिंग बेसिस पे यहाँ पर भी दिया जाएगा क्वालिटी ऑफ मिल्क के एक क्वालिटी मिल्क प्रोग्राम चल रहा है इंडियन गवर्नमेंट का तो वहाँ पर चाहे प्राइवेट सेक्टर हो या कॉपरेटिव हो कोई भी हो वहाँ भी फंडिंग दी जाएगी ताकि इंडिया में क्वालिटी मिल्क प्रोग्राम भी सक्सेसफुल हो क्या होता है क्वालिटी मिल्क प्रोग्राम कुछ नहीं होता क्वालिटी मिल्क प्रोग्राम डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग जो है उन्होंने क्वालिटी मिल्क प्रोग्राम लॉन्च किया इंडिया में ट्वेंटी फोर्थ जुलाई टू थाउजेंड नाइनटीन में तो आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंस है और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है ग्लोबल एक कोडेक्स स्टैंडर्ड है डोमेस्टिक कंजम्पशन ऑफ मिल्क के लिए इतना देख रहे है ना बढ़िया से मिल्क जो है चेक करके बढ़िया दूध खाइए पीजिए सॉरी दूध पीते हैं कि खाते हैं पता नहीं एंड इंश्योरिंग ट्रेसेबिलिटी एंड इंक्रीजिंग शेयर ऑफ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स इन द वर्ल्ड एक्सपोर्ट तो मतलब कि अच्छा हाई क्वालिटी का मिल्क बनाइए ताकि बाहर जो है फाइटो और सैनिटरी मेजर लगा के कोई कंट्री जो है डब्ल्यू का रूल लगा के आपके मिल्क के एक्सपोर्ट को रोक ना दें तो हाई क्वालिटी का मिल्क प्रोड्यूस करिए फर्स्ट पेज में जो कि 2019 से 20 का होगा अप्रूवल दे दिया गया है कि 231 डेयरी प्लांट को इम्प्रूवमेंट करेंगे नेशनल प्रोग्राम फॉर डेयरी डेवलपमेंट के अंदर आया, वहाँ पे क्या करेंगे अडल्ट्रेशन नहीं होने देंगे मिल्क में आपको पता है ना यूरिया डाल के वाइट कर देते हैं लोग इसके अलावा अमोनियम सल्फेट भी डालते तो ये यू में क्वेश्चन आता है कि मिल्क में अडल्ट्रेशन किस किस चीज़ के पॉसिबल है स्टेट पी का तो फेवरेट था तो, तो बता देता हूँ मिल्क में अडल्ट्रेशन करना हो अगर तो यूरिया कर सकते हैं इसके अलावा माल्टोडेक्स्ट्रीन कर सकते हैं अमोनियम सल्फेट भी डाल सकते हैं डिटर्जेंट से भी होता है झाग आ गई उजला सफ़ेद मेरा दूध वाला तो यही करता था झाग दे देता था मुझे शुगर और इसके अलावा न्यूट्राइजर्स ये सारी चीज़ों से आप जो है मिल्क में एडल्ट्रेशन कर सकते हो इन्हीं सारी चीज़ों को रोकना है आपका क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम में ये जो है आपका एनिमल ये जो डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेरिंग है वो चला रहा है ताकि एक्सपोर्ट वगैरह जो है बढ़िया से हो इंडिया का लोग के जो इंडिया के अच्छी अच्छा दूध खाएँ अच्छा दूध पिए बंगाल में खाएँ और बाकी जगह पिए तो कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं इसमें भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन इंडिया जो है मिल्क प्रोडक्शन में वही चीज़ मैंने पूरी डिटेल में पढ़ा दिया 1998 में इंडिया ने मिल्क प्रोड्यूसर के बेसिस पे पूरे वर्ल्ड में फर्स्ट पोजीशन ले ली यहाँ तो ये नहीं बताया कि किसको सरपास किया था हमें तो पता है यूएसए को सरपास किया था यहाँ नहीं ये नहीं बताया कि ऑपरेशन फ्लड के कारण किया था यस ऑलमोस्ट ट्वेंटी सिक्स ईयर का नाइनटीन सेवेंटी से नाइन्टीन हंड्रेड नाइन्टी सिक्स हमने ऑपरेशन फ्लड चलाया कुरियन जी, जी जो है हमें हमारे मदद दी एन डी ने काम किया था और उसके बेसिस पर हम जो है इंडिया में इंडिया जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर बन गई और हमारी कितनी हो गई आ, मिल्क प्रोडक्शन कितना हुआ हमने उस टाइम पर दो हज़ार का डेटा लें तो वन मिलियन टन मिल्क जो है हम प्रोड्यूस कर रहे हैं इंडिया ऑल्सो हैज द लार्ज बोवाइन पॉपुलेशन लार्जेस्ट बोवाइन पॉपुलेशन गाय भैंस की बात करें तो हम इंडिया में जो है लार्जेस्ट हमारी पॉपुलेशन है गवर्नमेंट इनिशिएटिव ऑपरेशन फ्लड नाइनटीन सेवेंटी टू नाइनटीन नाइनटी सिक्स दैट हैड हेल्प इंडिया टू बूट इस मिल्क प्रोडक्शन वी नो एवरीथिंग नाउ गुजरात मैपिंग सब कुछ आनंद वगैरह देख लिया खेड़ा सत्याग्रह भी देख लिया यार सरदार वल्लभ भाई पटेल भी देख लिया इंडियाज मिल्क प्रोडक्शन हैज़ ग्रोन अप 19, हमारा कितना ग्रो किया है टेन टाइम्स और पर कैपिटा मिल्क का जो कंजम्पशन है जो अवेलेबिलिटी कितना हुआ है डबल हो गया है अकॉर्डिंग टू नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस एनएसएसओ का डेटा देखें अगर सेवनटीन राउंड सर्वे का उसके हिसाब से मोर देन वन फिफ्थ और ट्वेंटी थ्री परसेंट ऑफ द एग्रीकल्चरल हाउस होल्ड जो है विद वेरी स्मॉल पार्सल ऑफ लैंड लेस देन जीरो पॉइंट जीरो वन हेक्टेयर रिपोर्टेड लाइव स्टॉक एज देर प्रिंसिपल सोर्स ऑफ इनकम क्या मतलब हुआ इसका एन ने अपने सेवनटीन्थ राउंड की सर्वे की तो बोला वहाँ पर कि इंडिया के ऐसे किसान मार्जिनल किसान जिनके पास लैंड का प्लॉट 0.01 हेक्टेयर का भी नहीं है ऐसे किसानों में 23 परसेंट लोग मतलब वन फिफ्थ लोग जो हैं वन फिफ्थ से ज़्यादा ही हो गया ना 23 परसेंट लोग जो हैं उनका मेन सोर्स ऑफ इनकम लाइव स्टॉक ही है गाय भैंस ही है बहुत जरूरी है 2018-19 का जो इकोनॉमिक सर्वे देखेंगे तो उसमें यह पता चलता है कि रूरल एरियाज़ में टोटल मिल्क का जो प्रोडक्शन है इंडिया में अराउंड ऑफ़ द एक सेकेंड दो हज़ार अठारह उन्नीस के इकोनॉमिक सर्वे में यह बोला कि ऑफ द टोटल मिल्क प्रोड्यूस इन रूरल एरियाज फिफ्टी टू परसेंट मिल्क जो है वो मार्केटेबल सरप्लस है मतलब वो अपने खाने से ज्यादा जो है एक्स्ट्रा बना रहे हैं दूध फिफ्टी टू परसेंट जो है उसको हम लोग मार्केटिंग कर सकते हैं दूध को ऑफ दिस सरप्लस जो फिफ्टी टू परसेंट सरप्लस आया थर्टी सिक्स परसेंट मिल्क जो है वो आपके ऑर्गेनाइज सेक्टर में जाता है जैसे कि कोऑपरेटिव uh, और प्राइवेट डेयरीज जिसपे आपका फोकस करेगा आपका मिल्क क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम और बाकी जो है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जाता है तो कितना जाता है अनऑर्गेनाइज में मेरे मैथ के हिसाब से 64 परसेंट और ऑर्गेनाइज में कम जा रहा है देखिए 36 परसेंट जा रहा है आपके घर में आता तो क्या वो ऑर्गेनाइज्ड है नो दैट इज़ नॉट ऑर्गेनाइज डेयरी में जाए कॉपरेटिव में जाए प्राइवेट डेयरी में जाए तो उसको बोलते हैं ऑर्गेनाइज अमूल से अमूल से मदर डेयरी से जाए तो वो होता है ऑर्गेनाइज तो वैसा थर्टी ही जा रहा है और बाकी जो है अनऑर्गेनाइज में जा रहा है घरों में जा रहा है ओवरऑल सरप्लस कितना हो रहा है फिफ्टी और उसमें ऑर्गेनाइज में कितना जा रहा है थर्टी और तो अब फिफ्टी को जो है डिवाइड मत करने लगना फिफ्टी ओवरऑल का अब जो ओवरऑल का फिफ्टी आए उसका हंड्रेड निकालोगे उसमें ऑर्गेनाइज में थर्टी सिक्स अनऑर्गेनाइज में सिक्सटी फोर बजट दो हजार बीस जब आया इस साल का उसमें ये एम बोला गया कि डबल द कंट्रीज हर चीज को डबल कर दो हर चीज़ को डबल कर दो यूपीएससी का सीट भी डबल कर दो ऐसा भी एक प्लान होना चाहिए डबल द कंट्रीज मिल्क प्रोसेसिंग कैपेसिटी बाई टू थाउजेंड ट्वेंटी फाइव बोलने दो तक जो मिल्क प्रोसेसिंग कैपेसिटी है एक नॉर्मल मिल्क जो आपके घर जो गाय भैंस से आता है तो वो प्रोसेस होकर नहीं आता ना डेयरी वाला प्रोसेस होता है पास्चराइजेशन अच्छे से पढ़ा दिया साइंस एंड टेक्नोलॉजी में उसको डबल करिए अभी कितना है 53.5 मिलियन मिल्क को हम लोग प्रोसेस करते हैं उसको बोल रहे हैं कि 108 मिलियन टन को प्रोसेस करिए ताकि डेयरी वगैरह में जाए पनीर जो है मलाई वलाई मस्त बने आप जो है मज़ा करें वेजिटेरियन लोग चिकन जो आपका चिकन के बदले तो आपका पनीर होता है ना वेजिटेरियन लोग तो आप लोगों को मजा आएगा अगर ये ऐसा प्रोसेसिंग होने लगे तो मस्त आप लोग तो खुश हो जाओगे अच्छा और सुनिए इन इंडिया मिल्क प्रोडक्शन ग्रो जो है ग्रोथ हो रही है सिक्स पॉइंट फोर परसेंट लास्ट फाइव ईयर्स में गुड ग्रोथ सिक्स पॉइंट फोर परसेंट की ग्रोथ हो रही है फाइव ईयर में और जो इंक्रीज़ हो चुकी है ये वन फोटी सिक्स मिलियन टन था आपके दो हज़ार चौदह पंद्रह में अभी तो कितना हो चुका है दो हज़ार अठारह उन्नीस में मिल्क प्रोडक्शन वन एटी सेवन मिलियन टन हो चुका है मजा आया आपको ओके अब लाइव स्टॉक की बात करें दूध तो निकाल लिया तो पीछे तो गाय गोरू है तो गाय गोरू की बात करते हैं अब कुत्ता बिलाई के यहाँ बात मत करिएगा है ना कुत्ता बिलाई का बात मत करिएगा यहाँ जो है आपके लाइव स्टॉक की बात हो रही है जो कि आपके लाइवलीहुड के लिए स्टॉक है जो आपको मदद करती है खेती के अलावा डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बैंड्री हस्बैंड का मतलब ये ना समझ लें कि एनिमल से जो है शादी करनी है डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हसबेंड्री डेयरिंग एंड मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एंड एनिमल हसबेंड्री एंड डेयरिंग दोनों ने ये जो आपका डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग है अब वो किसके अंदर है मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के अंदर है एग्रीकल्चर में तो नहीं है मैंने आपको बता दिया अलग से मिनिस्ट्री बन चुकी है उसके अंदर डिपार्टमेंट है एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग का उन्होंने इंडिया का बीसवा लाइव स्टॉक सेंसस रिपोर्ट निकाला आपका नहीं है हस्बैंड का नहीं है दिस इज ऑल अबाउट एनिमल का लाइव स्टॉक का सेंसस निकाला है बीसवा नंबर है ये आज से नहीं निकाला जा रहा ये काफी पहले से निकाला जा रहा देखिए ना नाइनटीन नाइनटीन में जब आपका जो <laughs> कौन था रिफॉर्म वहाँ पे डाईआर वाला आया था जो मोन्टागो के स्टेटमेंट के दो साल बाद ये जो है वहाँ से कंडक्ट कराया जा रहा है पीरियडिकली सिंस नाइनटीन हंड्रेड से 1920 के आसपास स्टार्ट हुआ था इसमें सारे डोमेस्टिकेटेड एनिमल की काउंटिंग होती है रूरल में भी अर्बन में भी तो कल को अपने कुत्ते बिल्ली को आगे निकाल दीजिएगा कि हमारे डोमेस्टिकेटेड एनिमल है लाइव स्टॉक है मैं तो बकरी निकालूंगा मेरे पास बकरियाँ पाँच हैं है ना दूध तो कम ही देती हैं दो चम्मच एनी वे जो बीसवा लाइव स्टॉक सेंसस आया दैट वॉज कंडक्टेड इन पार्टिसिपेशन विथ ऑल स्टेट एंड यूनियन टेरीटरी अब इसमें तो ऑबियस है यार स्टेट यूनियन टेरी स्टेट और यूनियन टेरीटरी की मदद लेनी पड़ेगी तभी तो उनके साथ ही तो सेंसस होगा वो तो आपके बल्कि जो लोगों की सेंसस होती है हमारी आपकी तो उसमें भी होती है दिस सेंसस इज ए यूनिक अटैम्प्ट क्यों यूनिक है ये फर्स्ट टाइम एक मेजर इनिशिएटिव ले जा लिया जा रहा है जहाँ पे हाउस होल्ड जो हैं अपना डेटा ऑनलाइन ट्रांसमिशन कर सकते हैं अपने फ्रॉम द फील्ड है ना एक सेकेंड इनिशिएटिव हैज़ बिन टेकन टू हाउस होल्ड लेवल डेटा थ्रू ऑनलाइन ट्रांसमिशन फ्रॉम द फील्ड ओके जो फील्ड वर्कर गया घर यहाँ पे है है ना वहाँ से जो है मोबाइल में डाला उसने फीड कर दिया और जो ऑनलाइन ट्रांसमिशन हो गई फिर यहाँ वाला गया तो जितना कुत्ता बिल्ली गाय भैंस सब कुछ दिख रहा है सबकी ऑनलाइन ट्रांसमिशन हो रही है फील्ड वर्कर के लिए नेशनल इन फील्ड वर्कर के लिए मतलब फील्ड वर्कर यहाँ से डेटा दे रहा है और सेंट्रल डिपोजिटरी में डेटा जा रहा है फील्ड वर्कर आपके घर पर आएगा नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर इसके लिए जरूरत पड़ेगी आई इंफ्रास्ट्रक्चर की तो जो नेशनल इंफॉमेटिक सेंटर है आपके गवर्नमेंट का अच्छा ये नहीं पता आपको नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर क्या होता है ये अटैच्ड ऑफिस है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी समझे मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक अटैच्ड ऑफिस है नेशनल इंफॉमेटिक सेंटर प्रोवाइड्स इंफ्रास्ट्रक्चर टू हेल्प सपोर्ट द डिलीवरी ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज तो यहाँ पे जब एनिमल की सेंसस करनी थी लाइव स्टॉक की तो वो भी तो एक गवर्नमेंट सर्विस की डिलीवरी है तो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना था तो उन्होंने ऐप बना दिया इसके लिए तो डिजिटल इंडिया के भी कई इनिशिएटिव चला रहा है ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो आज मेई टी देख रहे हैं इसको 2016 में बनाया गया था इसके पहले ही वो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर थी है ना उसको पहले डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोलते थे अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड इफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वहाँ से जो है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इसको अलग से बना दिया गया इसको रीनेम किया गया था सबसे पहले तो देखिए प्रीवियसली इसको डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोलते थे फिर उसको रीनेम करके बोला गया डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दो में उसके बाद उसको मिनिस्ट्री से ही अलग निकाल दिया गया और जो डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी था दो में वो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से निकल गया अब क्या बन गया ये जो डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी था वो 2016 में बन गया मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तो व्हाट अबाउट मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में तो आपने इंफॉमेशन टेक्नोलॉजी तो निकाल दिया बट व्हाट अबाउट मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन सब चला गया भाई ख़त्म हो गया जो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी थी वॉज एन इंडियन गवर्नमेंट मिनिस्ट्री इसको बाईफर्केट किया गया था एक तरफ क्या निकला एक तरफ आपका निकला मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जिसको हम लोग प्यार से मेटी बोलते हैं और दूसरा निकला मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस व्हाट अबाउट मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन उसमें क्या है भाई हाँ मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन जो है दो हज़ार सोलह में बना है पिछला वाला जो मिनिस्ट्री पूरा था उसको बाईफर्केट किया ना तो एक तरफ तो मेटी निकला दूसरी तरफ मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन निकला इसमें दो डिपार्टमेंट होते हैं एक तो डिपार्टमेंट ऑफ़ टेली होता है और जो डिपार्टमेंट ऑफ़ पोस्ट है जो इंडिया पोस्ट वो भी इसी के अंदर आता है तो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन में आप खाली डिजिटल कम्युनिकेशन ना याद रखें वो तो टेली है वो एक डिपार्टमेंट है इसके अंदर एक और डिपार्टमेंट है वो है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट तो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन जो दो में बना बाईफर्केशन के बाद एक डिपार्टमेंट टेली का एक डिपार्टमेंट पोस्ट का तो कार्ड भी भेजिए इलेक्ट्रॉनिक मेल भी भेजिए दोनों तरफ जो है आप अपना प्यार भेजिए मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के थ्रू तो गवर्नमेंट की सर्विस की अगर डिजिटल डिलीवरी करनी हो तो कौन हेल्प करता है जनरली नेशनल इन्फॉर्मेटिक सेंटर तो नेशनल इन्फॉर्मेटिक सेंटर ने लाइवलीहुड के सेंसस के लिए भी एक मोबाइल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाया है एंड वाज यूज फॉर डेटा कलेक्शन इसी से जो आपका फील्ड वर्कर जा रहे हैं आपके घर पर कुत्ता बिल्ली देख के फोटो डाल के भेज दे रहा है कि भाई कुत्ता मिला है बिल्ली मिली है गाय मिला है भैंस मिला है और ऊपर जो है फील्ड में चला जा रहा है वो ऊपर के नोडल लेवल पर एज वेल एज ऑनलाइन ट्रांसमिशन ऑफ डेटा फ्रॉम द फील्ड टू एन सर्वर बोला तो ये फील्ड में वर्कर और यहाँ रहेगा एनआईसी सर्वर ऐप लगाओ बीच में फील्ड वर्कर आपके घर गया ऐप में नोट करेगा फोटो खींचेगा नाम पूछेगा कुत्ते का और वो चला जाएगा यहाँ पे कि सेंसस मिला है भाई इनके घर जो है कुत्ता पैदा हुआ है सेंसस हैड बीन डिजाइन टू कैप्चर ब्रीड वाइज नंबर ऑफ एनिमल्स एंड पोल्ट्री बर्ड्स सारे एनिमल हो पोल्ट्री बर्ड हो एक एक मुर्गा एक एक मुर्गा पकड़ पकड़ के वहां पे ठीक है सबके सेंसस की जा रही है यहाँ पे याद रखिएगा ब्रीड वाइज कौन से टाइप का मुर्गा है लंबा मुर्गा छोटा मुर्गा या फिर मान लीजिए कि एनिमल है कौन सा कौन से कौन सा गाय है आपके पास काटिया वार है कि फलाना है ढिकाना है सारी चीज़ों की जो है मेंटेनेंस की जाएगी जर्मन शिफर्ड रखा है कि क्या रखा है सारा पूरा मेंशन किया जाएगा तो चलिए देखते हैं कि कौन सा स्टेट जो है जानवरों में आगे है स्टेट वाइज बात करें तो उत्तर प्रदेश जो है वहाँ पे लाइव स्टॉक की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है 2019 में इसके बाद राजस्थान एमपी वेस्ट बंगाल बिहार आंध्र प्रदेश महाराष्ट्र तेलंगाना कर्नाटक गुजरात याद रखना बिल्कुल नहीं टॉप वाला यस उत्तर प्रदेश लाइव स्टॉक में एक नंबर पे निकला कैटल की बात करें लाइव स्टॉक में अगर तो उसमें वेस्ट बंगाल गाय भैंस में कौन आगे निकला वेस्ट बंगाल टॉप पे उसके बाद यूपी बिहार याद रखने का बिल्कुल नहीं टॉप वाला याद रखिए कैटल में वेस्ट बंगाल लेकिन ओवरऑल लाइव स्टॉक में उत्तर प्रदेश सेंसक्स सेंसक्स जो है पाँच साल में एक बार कराया जाता है ठीक है याद रखें दस साल में नहीं है पाँच साल में एक बार कराया जाता है क्यों लॉजिकल है यार इंसान की जो आयु होती है वो ज्यादा होती है तो वहां दस साल में करते हैं एनिमल की इतनी आयु नहीं होती है इनकी तो इसलिए वहां पे पांच साल में कराते हैं कब शुरू हुआ था 1919 से 1920 के बीच में कौन सा आई है बीसवा नंबर का याद रहेगा ट्रेंड क्या ये मत बोल दीजिएगा कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर करवा रही है नो मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री डेयरिंग एंड फार्मिंग फिशिंग क्या है ट्रेंड क्या निकला टोटल लाइव स्टॉक पॉपुलेशन कितना निकला 535 मिलियन निकला कंट्री में और इसमें जो है फोर पॉइंट सिक्स परसेंट की इंक्रीज हुई है हमारी तो पॉपुलेशन बढ़ी रही है इनकी भी बढ़ रही है गजब की टोटल बोवाइन पॉपुलेशन बोवाइन में क्या आता है यही गाय भैंस कैटल बफैलो मिथुन मिथुन आपके नॉर्थ ईस्ट वगैरह में मिलेगा आपके कई ये स्वांप के एरिया में होता है मिथुन अब मिथुन चक्रवर्ती की बात नहीं हो रही याक एंड येती याक आपके तिब्बत वाला आ, मतलब सिक्किम वगैरह के एरिया में सिक्किम के कोल्ड एरिया में अरुणाचल प्रदेश में याक भी रहता है ये आपके सारे बोवाइन पॉपुलेशन होते हैं याद रखेंगे कैटल बफैलो मिथुन याक इनकी पॉपुलेशन निकली 300 मिलियन 2019 में और इसमें वन परसेंट का इंक्रीज हुआ प्रीवियस सेंसस के हिसाब से लेकिन अगर टोटल लाइव स्टॉक की बात करें तो वहां पे हमारा 4.6 पॉइंट सिक्स परसेंट पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ है अगर टोटल लाइव स्टॉक पॉपुलेशन की बात करें तो 535 मिलियन और अगर बोवाइन पॉपुलेशन की बात करें तो उसमें से थ्री मिलियन ठीक है टोटल नंबर ऑफ कैटल इन द कंट्री कितना हो गया 192.49 मिलियन 2019, शोइंग एन इंक्रीज ऑफ 0.8 परसेंट ओवर प्रीवियस सेंसस सी सबसे ऊपर लाइव स्टॉक पॉपुलेशन 535 मिलियन उसका पार्ट वन है बोवाइन पॉपुलेशन उसका कितना है वह थ्री मिलियन बोवाइन में बस कैटल नहीं है बफेलो भी है मिथुन भी है याक भी है तो जो अगर बात करें कैटल की तो वो 192 मिलियन है 2019 में इसमें 0.8 परसेंट का जो है इंक्रीज़ हुआ आपको पूरा याद रखना है <laughs> बिल्कुल नहीं यार चलिए अब जो है हम मधुमक्खी पालेंगे है ना मधुमक्खी पालेंगे आप ये बताइए कि आप ये जानते हैं कि मधुमक्खी का सिस्टम क्या होता है शादी ब्याह का आपको जानना चाहिए रॉयल जेली क्या होती है ये सब पढ़ते हैं ना ये सब काम की चीज़ नहीं है छोड़िए ना पढ़ाई लिखाई पहले वही पढ़ते हैं इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हनी बी की जो पॉपुलेशन होती है जो आप ये हाइव देखते हो उसमें यू सोशलिटी होती है वाट इज़ यू सोसायलिटी यू सोसाइलिटी जो है एक ग्रीक वर्ड का ओरिजिन है गुड सोशल यू मीन्स ट्रू राइट तो गुड सोशल ये हाईएस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है अगर सोसाइटी की बात करें तो यू सोसाइलिटी है वो हाईएस्ट लेवल की ऑर्गेनाइजेशन है सोसाइटी में और ये हर सोसाइटी में नहीं होता आपके ह्यूमन सोसाइटी में ऐसी नहीं है ये यू सोसाइलिटी जो है इसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं कॉपरेटिव ब्रूड केयर होता है ब्रूड मतलब सारे जो ऑफ स्प्रिंग हैं उनकी अलग से जो है केयर की जाएगी अदर इंडिविजुअल से कुछ ऑफ स्प्रिंग की जो है एकदम अलग से एलिट लेवल की केयर की जाएगी ओवरलैपिंग जनरेशन होंगे कई जनरेशन होंगे एक अडल्ट की कॉलोनी में और डिवीजन ऑफ लेबर जो होगा बिल्कुल परफेक्ट होगा रिप्रोडक्टिव फंक्शन के लिए अलग से पॉपुलेशन होगा आप समझ रहे हो ह्यूमन पॉपुलेशन में तो हर कोई रिप्रोड्यूस करता है बट हनी भी में नहीं हर कोई नहीं कर सकता रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन के लिए अलग लोग होते हैं नॉन रिप्रोडक्टिव के लिए अलग लोग होते हैं डिवीज़न ऑफ लेबर इतनी जबरदस्त होती है कि कई लोग इसको कास्ट बोलते हैं ये यू सोसाइलिटी इतनी डिफरेंट क्यों है बाकी कास्ट तो आपके चली वैदिक में भी था लेकिन क्या कोई शुद्र ब्राह्मण के रोल नहीं कर सकता था अगर चाहे तो और उसको इजाज़त हो तो कर सकता था ना लेकिन यहाँ पे कुछ लोगों की दूसरा वर्क करने की कैपेबिलिटी नेचुरली ही लूज हो जाती है वो चाहें फिर भी नहीं कर सकते This is society, absolute division of labor. जो है कई इंसेक्ट्स में क्रस्टेसियस में और कुछ मैमल्स में भी होता है लेकिन आपके आंट्स में बीज में वैस्प में अरे भिरनी भिरनी और ये तो आपकी आंट तो जानते चीटी और बीज में इसमें बहुत अच्छे से डेवलप्ड होता है टर्माइट्स में भी डेवलप्ड होता है इसलिए जब आप इसका इंट्रोडक्शन ही देखेंगे हनी बी का तो हनी बी क्या होता है यू सोशल फ्लाइंग इंसेक्ट होता है जीनस जो होता तो है होता है जो इसका एपिस होता है नीचे जो इसके स्पेसिस होते हैं अलग अलग तो ये क्या है इनकी यू सोसाइलिटी आज पढ़िए ये एक चार्ट बना हुआ है कि इनकी पूरी सोसाइटी ऐसे होती है इसमें एक है डिप्लॉयड क्वीन रहेगी ये सब की मदर है ये पूरे की मदर है ये एक अलग से रानी है यहाँ पे डिप्लॉयड क्वीन अंट में भी इसी तरह का होता है फिर एक ड्रोन होते हैं ड्रोन कौन होता है आपको पता है मेल होता है वो ठीक है मेल होता है वो हैप्लॉयड ड्रोन होते हैं ठीक है फिर डिप्लॉयड लेइंग वर्कर होती हैं अब हर किसी के हिसाब से डिप्लॉयड जो क्वीन है उसका हैप्लॉयड एग आ रहा है जो जो आपका हैप्लॉयड ड्रोन है उसका हैप्लॉयड स्पर्म आ रहा है जो डिप्लॉयड लेइंग वर्कर है उसके हैप्लॉयड एग आ रहे हैं उससे भी नीचे हैप्लॉयड ड्रोन डेवलप होंगे डिप्लॉयड वर्कर डेवलप होने देखिए डिप्लॉयड क्वीन है जो क्वीन है वही निकालती है रॉयल जेली रॉयल जेली जिसको मिलेगा वो डिप्लॉयड किन बन जाएगी है ना अब यहाँ पे बिल्कुल कॉम्प्लेक्स हो रहा होगा नहीं समझ में आ हो रहा होगा मुझे पता है अब चार्ट किसको समझ में है इसको काट दीजिए समझ लेना आपने इसको काट दीजिए अब चलिए जो समझाता हूँ आपको मतलब ये नहीं समझाना आपके आपको अब समझाता हूँ इसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा सेक्सेज एंड कास्ट इन हनी बीज हनी बीज में जो है तीन कास्ट होती हैं एक तो ड्रोन होता है एक वर्कर होता है और एक क्वीन्स होती हैं ड्रोन्स जो होते हैं मैंने आपको पहले बताया मेल होते हैं और वर्कर और क्वीन दोनों ही फीमेल होती हैं तो क्वीन भी फीमेल है वर्कर भी फीमेल है लेकिन क्वीन एक ही होती है पूरे जो है हाइब में बाकी सारे वर्कर्स होती हैं लेडीज समझे एक तरह से कि मेट्स होती हैं उसकी और ड्रोन्स जो होते हैं वो मेल्स होते हैं चलिए क्या होता है ये सबसे पहले बात करते हैं ड्रोन्स की तो ड्रोन्स जो होते हैं हैप्लोइड डिप्लोइड मत सोचिए ये जेनेटिक फैक्टर है उसमें मत जाइए आप कंफ्यूज हो जाएंगे ड्रोन्स का मेन फंक्शन सुनिए इनका प्राइमरी फंक्शन होता है फीमेल को मतलब फर्टिलाइज करना तो रिप्रोडक्शन इनका प्राइमरी फंक्शन हो गया है ना ये वर्कर्स नहीं है ये ड्रोन कैसे बनते हैं ये ड्रोन ऐसे बनते हैं क्वीन इनको प्रोड्यूस करती है निकलेगी तो माता से ही ना ड्रोन भले मेल होले निकलेगा तो क्वीन से माता से ये जो वर्कर आप देख रहे हो यहाँ पे ये लेडीज हैं लेकिन उनमें रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी नहीं है दे आर अबसल्यूट वर्कर्स ओनली अब सल्यूट डिवीजन ऑफ लेबर दे कांट रिप्रोड्यूस एंड प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग ओके जो ऑफ स्प्रिंग निकलेगा वो क्वीन से ही निकलेगा तो क्वीन क्या करेगी ड्रोन को प्रोड्यूस करेगी इफ सी चूज नॉट टू फर्टिलाइज एन एग और बाई एन अनफर्टिलाइज ले वर्कर दैट इज वॉट आप सोचिए क्वीन का बच्चा पैदा हुआ मेल लेकिन वो ऐसे एग से पैदा हुआ जो कि एग को फर्टिलाइज नहीं किया गया फर्टिलाइज नहीं किया मतलब कि मान लीजिए कि एग में थी आपके एन क्रोमोज़ोम अस्पर्म में था एन क्रोमोज़ोम क्वीन का एग निकला एनक्रोमोजोम वाला इसकी फर्टिलाइजर नहीं होगी फर्टिलाइजेशन नहीं होगी एग्स इससे अस्पम से वो सीधा का सीधा ड्रोन डेवलप हो जाएगा तो हैप्लॉइड हो गया इट डजेंट इवन बिकम डिप्लॉइड इट इज नॉट फर्टिलाइज स्टिल इट्स बिकम ए बी दैट मेल ड्रोन विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द फीमेल क्वीन विदाउट एनी फर्टिलाइजेशन सिंपली फ्रॉम द एग इज नोन एज ड्रोन ये मेल होता है ये हाई में रहते हैं फाइव के आसपास पर हाइव में होते हैं लेकिन गर्मियों के मौसम में जैसे ही विंटर आएगा है ना उस मंथ में जो है आपके हाइब में वार्म और फूड कंजर्वेशन करनी होती है तो उस समय पर जो क्वीन जो इनको ऑर्डर देती है कि तुम यहाँ से भागो तो उनको जो है हाइव से निकाल देती है विंटर के मौसम में लेकिन मैंने ये क्या बोला ये ड्रोन जो होते हैं मेल होते हैं तो कल को क्वीन को बच्चा पैदा करना हो तो ड्रोन की जरूरत होगी तो इनकी आइज जो होती हैं ड्रोन की बड़ी होती हैं और जब उड़ते हैं तो बड़ी बड़ी आइज़ के हिसाब से क्वीन जो है उनको रिकोगनाइज़ कर लेती है और बोलती है कि आओ मेरे साथ मेटिंग करो ऐसी कंडीशन है ये ड्रोन न तो हाइव को प्रोटेक्ट करते हैं न किसी अगर आप जाओगे मधुमक्खी के छत्ते पे हमला करोगे तो ड्रोन आपको जो है कोई अटैक नहीं करेगा कुछ नहीं करेगा डिवीज़न ऑफ लेबर है उसका काम ओनली फर्टिलाइजेशन है क्वीन के साथ मीटिंग करना बच्चा पैदा करना यही इसका काम है इसके अलावा इसका और कोई काम नहीं है न वो हाइप की प्रोटेक्शन करेगा ना आपको अटैक करेगा ना इनमें कोई स्ट्रेंजर होता है इनमें होता ही नहीं डंक होता ही नहीं ड्रोन ऐसे होते हैं अब नेक्स्ट है वर्कर्स वर्कर्स जो होती हैं वो लेडीज होती हैं वो डिप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोजोम होते हैं उसमें तो उसमें फर्टिलाइजर से बनती हैं दे आर प्रोड्यूसड फ्रॉम एन एग दैट क्वीन हैज सेलेक्टिवली फर्टिलाइज फ्राम स्टोर्ड स्पर्म वो उधर जो, जो ड्रोन था उसने स्पर्म लाया था क्वीन को दिया था तो क्वीन ने उसको स्टोर कर लिया ठीक है और क्वीन ने स्पर्म को तो स्टोर कर लिया लेकिन कुछ कुछ को वो अपने एग क्वीन के एग निकले ठीक है क्वीन के एग निकले एग है ना कुछ एग को वो स्पर्म से फर्टिलाइज करवाएगी जो फर्टिलाइज़ करवाएगी तो उससे वर्कर फीमेल पैदा होगी डिप्लॉयड हो गया दोनों तरफ से है मेल फीमेल दोनों साइड से कुछ एक को वो फर्टिलाइज़ नहीं कुछ एक को जो है वो इस स्पर्म से फर्टिलाइज नहीं करवाएगी है ना इससे नहीं करवाएगी नहीं करवाएगी तो वो क्या पैदा होगा ड्रोन पैदा होगा ठीक है और स्पर्म कहाँ से आ रहा है ड्रोन से आ रहा है ड्रोन का, का काम क्या है मेल का ओनली एंड ओनली प्रोड्यूसिंग स्पर्म और विंटर के मंथ में तो उसको निकाल के भगा देती है आंखें बड़ी होती है रिकॉग्नाइज कर लेती है उनसे स्पर्म ले लेती है मीटिंग के दौरान स्टोर करके रखती है जिस स्पर्म से वो एक को मिलाएगी तो वर्कर पैदा होगी और अगर नहीं मिलाएगी एक को स्पर्म से तो वो ड्रोन मेल पैदा होगा डिप्लॉयड नहीं वर्कर 21 दिन में डेवलप हो जाती है एक टिपिकल कॉलोनी में देखिए ड्रोन कितने थे 500 वो भी विंटर में भगा दिए जाते हैं लेकिन फीमेल कितनी है वर्कर बीज कितनी है सिक्सटी थाउजेंड क्वीन तो एक ही है लेकिन वर्कर बीज जो फीमेल है वो सिक्सटी थाउजेंड है इनका भी डिवीजन ऑफ लेबर है ये कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगी जो क्वीन या ड्रोन करता है ड्रोन का काम क्या ओनली फर्टिलाइजेशन क्वीन का काम क्या बच्चे पैदा करना तो ये क्या करते हैं ये जो वर्कर फीमेल हैं वो रिप्रोडक्शन भी नहीं कर रहे हैं है ना तो क्या क्या करते हैं ये ये करती हैं क्लीनिंग करना है ना ओन सेल की खुद की क्लीनिंग करते हैं भाई खुद की क्लीनिंग करते हैं आफ्टर ईटिंग देयर कैपर्ड ब्रूड सेल जो निकलती हैं तो खुद की भी अपने सेल की क्लीनिंग करती हैं है ना इसके अलावा ये क्या करती हैं नेक्टर रिसीव करती हैं तो फ्लावर्स पे जो आप देखते हो मधुमक्खी उड़ता हुआ वो, वो क्या होता है वर्कर फीमेल्स होती हैं नेक्टर लेके आती हैं हाइव को भी क्लीन करती हैं और अगर जब जा आप जाओगे मधुमक्खी के छत्ते पे तो आपको जो अटैक करता है वो वर्कर फीमेल होती हैं गार्ड ड्यूटी होता है इनका है ना ये सारे काम इनका होता है सम वर्कर जो हैं कुछ स्पेशलाइज बिहेवियर भी, भी करती हैं जैसे मान लीजिए कि कोई मर गया उसमें आपके इंसेक्ट मर गया कोई आपके हाइव में तो क्लीनिंग वगैरह का सारा काम जो है कॉर्पसेज वगैरह को हटाने का वर्कर फीमेल करती हैं आप समझ गए फिर से बता दे रहा हूँ ड्रोन का काम ओनली फर्टिलाइजेशन विंटर में एक्सप्लेन कर दिया जाता है आंखें बड़ी होती हैं ताकि क्वीन इसको रिकॉग्नाइज कर ले कि ये मेल है इसके साथ फर्टिलाइजेशन करना है वो क्वीन को बस स्पम्प देता है ना क्वीन अपने चॉइस के हिसाब से उस उसपम्प को चाहे फर्टिलाइज करे एक के साथ एक तो क्वीन प्रोड्यूस करेगी ना फीमेल या ना करे अगर फर्टिलाइज करे तो वर्कर फीमेल पैदा होगी अगर फर्टिलाइज ना करें तो वो ड्रोन पैदा होगा नया बच्चा मेल उसका भी काम खाली बस मेटिंग होगा और जो वर्कर पैदा होंगी जो फर्टिलाइजेशन जब होगा स्पर्म का क्वीन के एक के साथ तो वर्कर फीमेल बनती है उनका काम होता है कॉलोनी की जो है हाइप की जो है सुरक्षा उसकी देखभाल स्टिंगिंग नेक्टर कलेक्ट करना क्लीनिंग करना और क्वीन को प्रोटेक्ट करना इनके पास देखिए आपके ब्रूड फीडिंग ग्लैंड होती हैं क्योंकि ब्रूड से निकलना है पहले खुद की भी क्लीनिंग शुरू करते हैं बाब्स होते हैं स्टिंग जो होती है उस पर बाब्स लगे होते हैं नर्सिंग फूड प्रोसेसिंग ये सारा ये लोग करते हैं तो क्वीन क्या करती है क्वीन हनी बी कैसे क्रिएट होती है सुनिए वेन वर्कर बीज फीड अ सिंगल फीमेल लार्वी वेन वर्कर बीज सारे वर्कर बीज मिल जाएंगी सारे वर्कर बीज मिल जाएंगी और एक सिंगल उसी में से जैसे वर्कर बीज जो क्रिएट हुई थी वहाँ पे, उसी में से एक वर्कर ब्री को वो लोग जो है सारे मिलकर लार्वी को उसको खिलाना लार्वी लार्वी के स्टेज में ही वर्कर बी को एक इन्होंने चुन लिया और सारे मिलकर एक ही लार्वी को खिला रहे हैं एंड एक्सक्लूसिव डाइट ऑफ ए फूड कॉल रॉयल जेल्ली देते हैं उसको ठीक है रॉयल जेली देते हैं तो उससे क्वीन प्रोड्यूस होती है इनका जो सेल होता है वहाँ पे जो रहने का जो हाइप में होता है बड़ा सेल होता है और 16 दिन में ही डेवलप हो जाते हैं फिजियोलॉजी अलग है मॉर्फोलॉजी मॉर्फोलॉजी अलग है बिहेवियर बिल्कुल वर्कर बीज से अलग है सबका अब डिवीजन ऑफ लेबर है ग्रेटर साइज़ है इनके फंक्शनल सेट ऑफ ओवरीज होते हैं बाकी जो वर्कर फीमेल की होंगी उनको तो रॉयल जेली नहीं मिला तो उनके फंक्शनल सेट ऑफ ओवरीज नहीं होती हैं वो एक तरह से स्टेराइल होती हैं स्पर्म को कैसे स्टोर करती है इसमें एक स्पर्मा थेका होता है ना वहीं पर स्टोर करती है और मेंटेन करती है स्पर्म को और उसके हिसाब से वो डिसाइड करती है कि किसको वर्कर फीमेल बनाना है किसको ड्रोन बनाना है इसकी जो स्ट्रिंग होती है क्वीन की वो बार्ब्ड नहीं होती बाकी वर्कर की जो स्ट्रिंग होती है उसमें बार्ब होते हैं इसमें नहीं होती इसमें जो है ग्लैंड नहीं होता बी वैक्स प्रोड्यूस करने के लिए बाकी जो फीमेल वर्कर हैं वो बी वैक्स प्रोड्यूस करती हैं और एक बार अगर इसकी मीटिंग हो जाए तो क्वीन जो है दो हज़ार के आसपास जो एक प्रोड्यूस कर सकती है फिर वो डिसाइड करेगी कि मेल बनाना है कि फीमेल बनाना है ड्रोन बनाना है कि वर्कर बनाना है यही बात आएगी रॉयल जेली की एक ये डेवलपिंग क्वीन लार्वी का फोटो है देखिए रॉयल जेली से सराउंडेड है ये लार्वी है और यहां पे देख रहे हैं पूरा जो है रॉयल जेली से सराउंडेड है बिल्कुल ये तो आपके बी वैक्स हो गया जो कि वर्कर फीमेल प्रोड्यूस कर रही हैं लेकिन ये रॉयल जेली से सराउंडेड है ये किसी को मिलता है इसके देख रहे हैं सेल कितना बड़ा है बाकी से आप देखिए बाकी सेल से देखिए कितना बड़ा है रॉयल जेली एक हनी बी का सिक्रेशन है इसका न्यूट्रिशन लार्वियर स्टेज में दिया जाता है किसी वर्कर को वर्कर मत बोलिए फीमेल बोलिए लारवी स्टेज में वर्कर नहीं बोलेंगे अभी डिवीजन ऑफ लेबर हुआ ही नहीं है जैसे ही डिवीजन ऑफ लेबर होगा वो अब सल्यूट होगा तो लार्वी स्टेज में ही किसी को जो है रॉयल जेली जेली दी जाती है और एज वेल एज एडल्ट क्वीन तो क्वीन पूरे लाइफ में जो है वो रॉयल जेली ही लेगी जो सिक्रीशन होता है इसका इट इज सिक्रेटेड फ्रॉम द ग्लैंड इन द हाइपो फेरिंग्स ऑफ द नर्स बीज जो वर्कर बीज थी उन्हीं के अंदर से वो रॉयल जेली की सिक्रिशन होती है लेकिन वो लोग नहीं खाएंगे उसको ये मिलेगा बस क्वीन को एंड फीड टू द ऑल लारे इन द कॉलोनी रिगार्डलेस ऑफ सेक्स और कास्ट अच्छा अच्छा ये सारे को जो है रॉयल जेली दी जाती है लेकिन जो क्वीन वाला सेल है उसमें बहुत ज्यादा दी जाती है बोला ना एक्सक्लूसिवली एक को फीड करते हैं दिस टाइप ऑफ फीडिंग ट्रिगर्स एंड डेवलपमेंट ऑफ क्वीन मॉर्फोलॉजी जो अलग से पैदा होती है फुल्ली डेवलप्ड ओवरिज होती हैं तभी वो एक जो है ले कर पाती है रॉयल जल्दी का जो यूज है अल्टरनेटिव मेडिसिन में किया जाता है एपी थेरेपी मतलब कि हनी बी का यूज करके थेरेपी करने में जो इसका यूज़ किया जाता है इसको डायट्री सप्लीमेंट की तरह पूरा जो है प्रोडक्शन इसका मार्केटिंग भी किया जाता है फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एफ का जो है यूनाइटेड स्टेट्स का जो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है हैज़ टेकन लीगल एक्शन अगेंस्ट कंपनीज दैट हैव यूज अनफाउंडेड क्लेम्स ऑफ हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ मार्केट आप इसको मार्केट करिए लेकिन अनफाउंडेड क्लेम नहीं कर सकते अल्टरनेटिव मेडिसिन है ये मेन मेडिसिन में नहीं आता कुछ लोग इसको एल्जाइमर के खिलाफ भी यूज़ करते हैं पोस्ट मेनोपाइजल ट्रीटमेंट जो होता है ह्यूमन्स में पोस्ट मेनोपाजल जो फीमेल का मीनोपाज हो जाता है उसके बाद जो थोड़ा बहुत कष्ट होता है उसके बाद आपके प्री मेन्स्टूअल सिंड्रम वगैरह जो होता है पी वगैरह जो होता है उसमें भी ये माना जाता है कि काफ़ी जो है हेल्पफुल होता है बट अल्टरनेटिव मेडिसिन ये है हनी बी का पूरा कॉलोनी यू सोशल चलिए अब मधुमक्खी पालन करें बी कीपिंग बी कीपिंग डेवलपमेंट कमेटी इसको सेटअप किया गया चेयरमैन कौन थे इसके एक कमेटी बनाई गई कि हम अपने कंट्री में बी कीपिंग के डेवलपमेंट करें काफ़ी पैसा होता है ना हनी पालन मधुमक्खी पालन में जो हनी निकालते हो तो काफ़ी पैसा किसान को मिल सकता है तो बी कीपिंग डेवलपमेंट कमेटी बनाई गई थी चेयरमैनशिप वही आपके अपने विवेक देवराय को दी गई थी उनको बोला कि आप रिकोगनाइज करिए कि हनी बी के प्रोडक्शन में आपके कंट्री में कल्चर में क्या इनपुट चाहिए इनपुट टू एग्रीकल्चर एंड कंसिडरिंग एंड लैंडलेस बी कीपर्स एज फार्मर्स जो भी लैंडलेस बी कीपर है उसको भी क्रेडिट वगैरह डेवलपमेंट क्रेडिट वगैरह मिल पाए तो जो भी लैंडलेस बी कीपर है उसको अलग से फार्मर में कंसिडर कर लीजिए और हनी बी को जो है आप एग्रीकल्चर का इनपुट मान लीजिए तो क्रेडिट वगैरह मिल पाएगी डिटेल क्या है बाकी इंडिया में फोर जो है मेजर हनी बी के स्पेसिस हैं टू डोमेस्टिकेटेड स्पेसिस जो हैं जिसको हम लोग हनी बी के मतलब कीपिंग में यूज़ करेंगे इंडियन और एशियन हनी बी इसको बोलते हैं और एक जो है वो यूरोपियन हनी बी है इनको इंडिया में जो है ट्वेंटी सेंचुरी में ही इंट्रोड्यूस किया गया था क्योंकि इनसे जो हनी निकलता है काफ़ी हाई क्वालिटी का और लार्ज अमाउंट में होता है और जो कि लोकल पॉपुलेशन थी जस्ट लाइक वो कैटल में अब लेकर आए हो ना जर्सी तो आप हनी भी में दो स्पेसीज बाहर से लेकर आया हो आज उसको आप डोमेस्टिकेट कर रहे हो एक तो है वो इंडियन और एशियन हनी भी और दूसरा है यूरोपियन हनी भी ट्वेंटी सेंचुरी में लाया गया तो दूसरा दो बाकी जो है वाइल्ड स्पेसीज हैं एक है रॉक हनी भी और एक है ड्वार्फ हनी भी इनसे कुछ खास जो है हनी नहीं निकलता प्राइमरी प्रोडक्ट क्या करेंगे बी कीपिंग करेंगे तो क्या निकलेगा एक तो हनी निकलेगा दूसरा वैक्स निकलेगा वर्कर पॉपुलेशन रिमेंबर दैट बट पॉलिन प्रोपोलिस रॉयल जेलनी एंड बी वेनम आर ऑल्सो मार्केटेबल प्रोडक्ट देखिए ना रॉयल जेली का यूज़ हो रहा है ना अल्टरनेटिव मेडिसिन में बी वेनम का भी यूज़ कर सकते हो आप इसके अलावा पोलिन आपके जो बी में लग जाता है पोलिन जब वो फ्लावर से चूज के लाती है कौन वर्कर वर्कर फीमेल मेल का कुछ काम नहीं है फर्टिलाइजेशन के अलावा ठीक है विंटर में बाहर निकाल दिया जाता है आँखें बड़ी होती हैं <laughs> आँखें बड़ी मेल की होती है बताऊँ और प्रोपोलिस क्या होता है यार कोई भी इन्फेक्शन वगैरह हो जाए हनी बी वगैरह में कोई रोग हो जाए तो उसको फाइट करने के लिए वो लोग एक केमिकल प्रोड्यूस करते हैं उसको प्रोपोलिस बोलते हैं तो इसका भी यूज़ किया जा सकता है तो हनी के अलावा बहुत कुछ निकल सकता है अगर 2017-18 के डेटा की बात करें तो चाइना जो है पूरे वर्ल्ड में हनी भी हनी के प्रोडक्शन में फर्स्ट है यहाँ पे 551,000 टन हनी प्रोडक्शन होता है और इंडिया क्या है सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ कुछ भी नहीं है इंडिया एट्थ रैंक पे और यहाँ पे ओनली 64.9,000 फोर पॉइंट जो है हनी का प्रोडक्शन होता है एनुअली आपको पता होगा कि दो में बी कीपिंग को आपका जो नेशनल हार्टिकल्चर मिशन आया था ये आपके आशीष ने पढ़ाया होगा नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन गवर्नमेंट स्कीम में नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन में हनी बी कीपिंग या बी कीपिंग बोलिए उसको 2005 में लाया गया था जब आपका नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन तो फूल वूल फूल वूल की बात है तो हार्टीकल्चर का मिशन आएगा तो बी कीपिंग को भी उसमें वहाँ पे एक सप्लीमेंट्री एक्टिविटी इंक्लूड किया गया था आप तो फोकस कर रहे हो हॉटीकल्चर पे फ्लावर वगैरह फ्रूट वगैरह पे लेकिन उस पर तो बी बीज भी तो उसी पे डिपेंडेंट है ना तो सप्लीमेंट्री एक्टिविटी हो गया तो उसको इंक्लूड किया गया था मल्टीपल एजेंसीज हैं जो इस चीज़ में डील करती हैं एक तो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च ये पूरा पढ़ा दिया है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ कमीशन के ये भी पढ़ाया आपको सोशल इशूज में नेशनल बी बोर्ड बना हुआ एक मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर जो है याद रखिएगा मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर में क्योंकि उस टाइम पे जब नेशनल बी बोर्ड बना था तब तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ही था इसी तरह आपके कंट्री में नेशनल टी बोर्ड भी है कॉफी बोर्ड भी है तो आप गूगल कर लीजिएगा कभी हिसाब से टी बोर्ड का ऑफिस जो है कोलकाता में मैंने देखा हुआ है तो बी कीपिंग से कौन डील करता है आईसीआर भी डील करता है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज पर डील करता है नेशनल बी बोर्ड भी डील करता है नेशनल बी बोर्ड जो है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर आता है के क्या है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन ये का स्टेट्यूटोरी बॉडी याद रखिएगा एक स्टेट्यूटोरी बॉडी है क्योंकि उसको 1957 में एक एक्ट के थ्रू बनाया गया था पार्लियामेंट का उस एक्ट को बोलते हैं खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन एक्ट 1956 ये जो है किस बॉडी ये बॉडी कहाँ पे आती कौन सी मिनिस्ट्री में मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज जो एम आपकी मिनिस्ट्री है उसके अंदर खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन आता है इसको एक्ट से बनाया गया था नाइनटीन में एक्ट का नाम है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ कमीशन एक्ट हेडक्वार्टर जो इसका मुंबई में है और इसके सिक्स जोनल ऑफिसेज़ वगैरह भी हैं सारे स्टेट में इसके ऑफिसज़ भी अलग से है ताकि हैं ताकि इंप्लीमेंटेशन कर सकें वेरियस प्रोग्राम का नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन जो है एक इंडियन हॉर्टिकल्चर मिशन है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का इसको जो है लॉन्च किया गया था टेंथ फाइव ईयर प्लान के दौरान 2005 हज़ार में है ना गवर्नमेंट जो है इसमें आपकी जो कंट्रीब्यूट करती है 85 परसेंट सेंट्रल गवर्नमेंट बाकी 15 परसेंट शेयर जो है स्टेट गवर्नमेंट का है यहाँ पे हॉर्टिकल्चर सेक्टर को प्रमोट करने की कोशिश की जाती है और रीजनली डिफ्रेंशिएटेड स्ट्रेटजीज हैं क्योंकि हर जगह की हॉर्टिकल्चर अलग अलग तरह की होती है इससे आपके किसानों की हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन बढ़ेगी तो न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी भी आएगी फल फूल आएगा और आपका इनकम सपोर्ट भी होगा फार्म के हाउस होल्ड का साथ ही साथ कन्वर्जेंस और साइनर्जी जो है मल्टीपल इसके स्टेक होल्डर हैं प्रोग्राम जो हैं हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट के बीच में एक समन्वय करने की कोशिश है नई टेक्नोलॉजीज़ को भी दिया जाएगा डिसिमिनेट किया जाएगा ब्लेंड किया जाएगा ट्रेडिशनल जो आपका विजडम है समझ है उसको मॉडर्न साइंटिफिक नॉलेज के साथ इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी स्किल्ड और अनस्किल्ड पर्सन के लिए खास करके जो अनएम्प्लॉयमेंड यूथ है जो आपके अनएम्प्लॉयड यूथ है उनके लिए तो यही आपका नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन था 2005 में इसके जो है बी कीपिंग को भी नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन के एक सप्लीमेंट्री एक्टिविटी में काउंट कर लिया गया था नेक्स्ट टॉपिक है सेवन आज का लास्ट टॉपिक एडिबल ऑयल डिफिशियंसी एडिबल ऑयल डिफिशेंसी का मतलब ये नहीं कि आपके शरीर में कोई न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी है इंडिया में जो खाने योग्य ऑयल है हालांकि फ्यूल वाला ऑयल भी हमारा डिफिशियंट ही हम बाहर से मंगवाते हैं लेकिन दुख की बात है कि एग्रीकल्चर इतना डेवलप हो गया दूध जो है दूध मलाई इतनी हो गई लेकिन तेल की बात करें तो इंडियन लोगों का तेल का इतना कंजम्पशन है और जो पैदावार इतनी कम है कि कंट्री में हमें तेल जो है बहुत टाइम से इम्पोर्ट ही करना पड़ रहा है एडिबल ऑयल की डिफिशियंसी हमारे कंट्री में तो कॉमर्स मिनिस्ट्री चिंतित हो गई है कि इससे जो है हमारा बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट बिल आ रहा है तो कॉमर्स मिनिस्ट्री ने एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री को बोला सुनो एक रोड मैप बनाओ ताकि इंडिया जो है सेल्फ सफिशियंसी डेवलप कर सके एडिबल ऑयल के प्रोडक्शन में कोई एग्रीकल्चर में ऐसा प्लान लेकर आओ कि हमें बाहर से ऑयल जो है खाने का इम्पोर्ट ना कर सके ना ना करना पड़े इंडिया जो है इम्पोर्ट करती है अपने एडिबल ऑयल की और मोस्टली जो है आपके इंडोनेशिया और मलेशिया से आता है मलेशिया का एक और एडवांटेज है मलेशिया से हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वो जो कि इंडोनेशिया से नहीं है तो मोस्टली जो हमारा ऑयल जो एडिबल ऑयल इम्पोर्ट होता है वो मलेशिया से होता है है ना साथ ही साथ गवर्नमेंट ने यह भी बोला है कि अंडर द गवर्नमेंट का जो आपका पता ही है गवर्नमेंट का अशोक दलवई डबलिंग फार्मर्स इनकम उसमें भी ये बोला गया है कि सेल्फ सफिशियंसी जो है आप ऑयल सीड के प्रोडक्शन में करिए टू तक एक मेजर टारगेट है आप कितने टाइम से 10-20 साल से जो आप ऑयल का इंपोर्ट कर रहे हो मतलब लंबे टाइम से कर रहे हो ऑयल का इंपोर्ट बोल रहे हैं कि जो डबलिंग फार्मर इनकम का जो प्रोजेक्ट है उसमें एक ये भी काम करिए कि सेल्फ सफिस सफिशियंसी जो है डेवलप करिए ऑयल प्रोडक्शन में ताकि आपके कंट्री में 2030 तक आपको कोई बाहर से इम्पोर्ट ना करना पड़े एडिबल ऑयल का तो इससे जो कंट्री में एडिबल ऑयल खूब पैदा होगा तो किसानों को भी इनकम होगी क्योंकि महंगा होता है और ऑल्सो ये भी बोला कि जीरो एडिबल ऑयल इम्पोर्ट होना चाहिए बाहर से नहीं होना चाहिए ऐसा एक इंटर इंटरमिनिस्टेरियल मीटिंग हुई थी तो सारे लोगों ने मिलकर बोला कि जीरो एडिबल ऑयल जीरो एडिबल ऑयल कहाँ से बाहर से नहीं आना चाहिए यहाँ पे मलेशिया की बात आ गई तो मलेशिया का पाम ऑयल है ना बहुत न्यूज़ में रहता है ये न्यूज़ है मई 19 2020 क्या लिखा हुआ है इंडिया रिज्यूम्स पाम ऑयल इम्पोर्ट फ्रॉम मलेशिया इंडिया रिज्यूम्स परचेज ऑफ मलेशियन पाम ऑयल ट्रेडर्स तो क्या हो गया था जैसे कि इंडिया ने बंद कर दिया था इंडियन हैव रिज्यूम्ड परचेज ऑफ मलेशियन पाम ऑयल आफ्टर ए फोर मंथ गैप फॉलोइंग ए डिप्लोमेटिक रो इंडिया के जम्मू कश्मीर में जो एक्टिविटीज़ हैं जो चेंजेज लाए गए उसके खिलाफ आपके मलेशियन पी ने कुछ उटपटांग बोल दिया तो मेन तो वही चीज़ था लेकिन इंडिया ने कुछ कुछ बहाने लगाए और आपके मलेशिया से पाम ऑयल मंगवाना बंद कर दिया बंद कर दिया तो यहाँ पे जो रेट वगैरह बढ़ गई तो इंडियन इंडस्ट्रीज परेशान क्योंकि वहाँ से इंपोर्ट करके यहाँ तो बेचती है आपकी इंडियन कंपनीज उन्होंने शुरू कर दिया चार महीने तक एक गैप था एक डिप्लोमेटिक रो हो गई थी परेशानी हो गई थी अब जो है फिर से बाई जो होना शुरू हो चुका है और उससे जो है आपके डोमेस्टिक इन्वेंट्रीज में काफ़ी फॉल हो गई थी आपको पता है है ना और अब जो है डिस्काउंटेड प्राइसेस पे आना शुरू हो गया है सॉरी डिस्काउंटेड प्राइस जो है इनको देना पड़ता था और आपकी इन्वेंट्री खत्म हो रही थी डोमेस्टिक की तो काफ़ी नुकसान हो रहा था तो गवर्नमेंट ने बोला कि चलो भाई ले आओ मलेशिया से बहुत ज़्यादा था पाम ऑयल द वर्ल्ड्स बिगेस्ट एडिबल ऑयल इंपोर्टर कौन है यहाँ पे इंडिया है है ना तो मलेशिया की जो पाम ऑयल प्राइसेस को आप सपोर्ट करेंगे एक तरीके से तो मलेशिया का जान लीजिए पाम ऑयल में बहुत ज़्यादा यहाँ पे मोनोपोली है द रिन्यूड परचेज कम अमिड इंप्रूविंग ट्रेड रिलेशन बिटवीन टू कंट्रीज आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू गवर्नमेंट इन कुआला नामपुर हुआ क्या मलेशिया के पी ही जो क्या तो नाम था रजाक वगैरह नाम कुछ था वही चेंज हो गए देखिए ये न्यूज़ आई थी ये न्यूज़ आई थी अगस्त 25 2020 की बात हो रही थी अब यहाँ पे ये फॉर्मर हो चुके हैं फॉर्मर मलेशियन प्राइम मिनिस्टर माथिर मोहम्मद कंडेम्स एट्रोसिटीज़ इन कश्मीर नॉट इन पी ये अभी भी लगे हुए हैं भाई की रिटायरमेंट हो गई ये फॉर्मर हो गए काफ़ी बूढ़े हैं काफ़ी बूढ़े हैं इन्होंने पहले भी जो है इंडिया के खिलाफ बोला था और पीओके में पीओके में कुछ भी हो जाए उसमें कुछ नहीं बोलते इंडिया में बोलते हैं कि कश्मीर में बहुत जो है एट्रोसिटीज़ हो रही हैं तो उसी टाइम पे इंडिया इनसे गुस्सा हो गई थी है ना पी एम महाथिर मोहम्मद लेकिन अब ये फॉर्मर हो गए नया प्राइम मिनिस्टर आ गया तो जब अब नया प्राइम मिनिस्टर आ गया तो इंडिया ने बोला कि चलो कोई ठीक नहीं है अब हम एक डील जो है साइन कर रहे हैं और देखिए ना एक लाख टन जो आपका यहाँ पे राइस जो है वो मलेशिया में जाएगा एक लाख टन और आप जो है वहां से क्या लोगे बढ़िया ढेर सारा पाम ऑयल लोगे तो चलिए ये हो गया सारा डिप्लोमेटिक रो वगैरह भी बढ़ा दिया आपको तो आज स्टेटस देखते हैं इंडिया में एडिबल ऑयल का क्या है इस पर यूपीएससी ने दो साल पहले क्वेश्चन भी पूछ लिया था टोटल एडिबल ऑयल क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे में मैंशनता था टोटल एडिबल ऑयल प्रोडक्शन आपके कंट्री में कितना है सेवन पॉइंट थ्री वन मिलियन टन और डिमांड कितनी है आपके कंट्री में एडिबल ऑयल की हर चीज़ में तो आप लोग तेल डालते हो ट्वेंटी फोर पॉइंट फाइव मिलियन टन है मतलब ऑलमोस्ट वन फोर्थ आपके कंट्री में प्रोड्यूस होता है जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है आपके कढ़ाही में तो आपको टोटल इम्पोर्ट कितना करना पड़ेगा ऑलमोस्ट सिक्सटी फाइव टू सेवेंटी परसेंट डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट का सिक्सी फाइव टू सेवेंटी परसेंट आप इम्पोर्ट कर रहे हो अर्ली नाइन्टीज में जब मैं आपको बताया था कि कुरियन ने काफी सेल्फ सफिसियंसी कर दी थी तो उसके बाद अर्ली अर्ली नाइनटीन हंड्रेड नाइन्टीज में ओनली आपको फाइव परसेंट इंपोर्ट करना पड़ता था आज आपको सेवेंटी परसेंट एडिबल ऑयल बाहर से मंगवाना पड़ता है इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ एडिबल ऑयल कंज्यूमर बोले एडिबल ऑयल की तो इंडिया जो टॉप पे नहीं है थर्ड लार्जेस्ट है लेकिन अगर इंपोर्टर की बात करें तो इंडिया जो है वर्ल्ड में लार्जेस्ट इंपोर्टर है एडिबल ऑयल का टोटल एडिबल ऑयल रिक्वायरमेंट बाय 2020 कितना बढ़ जाएगा 33 और तेल डालोगे आप और पकोड़े खाओगे अभी तो कितना खा रहे हो अभी खा रहे हो आप ट्वेंटी तो फोर मिलियन टन अब बोल रहे हैं 2022 तक मतलब अगले दो साल के अंदर थर्टी थ्री मिलियन टन करोगे तो पर कैपिटा कंजम्पशन बढ़ रही है लेकिन हम एक स्टैंडर्ड लेके चल रहे हैं कि पर कैपिटा ट्वेंटी तो टू के ही साल भर में खाओगे तब भी उतना हो जाएगा अभी कितना था, था? दो हज़ार में नाइनटीन के था पर कैपिटा बढ़ के ट्वेंटी टू हो जाएगा अच्छा आप जब इम्पोर्ट करते हो एडिबल ऑयल का तो उसमें सबसे ज़्यादा शेयर क्या होता है पाम ऑयल वही मलेशिया वाला इंडोनेशिया वाला मलेशिया से बहुत ज़्यादा क्योंकि फ्री ट्रेड है बीच में तो चार महीने रोक दिया गुस्सा को लेकिन फिर से मंगवा रहे चलो बदले में उनको राइस बेच रहे हैं पाम ऑयल फॉर्म से मेजर शेयर ऑफ द एडिबल ऑयल इंपोर्टेड एज वेल एज कंज्यूमड कंज्यूम कंजम्पन में भी पाम ऑयल जो है एक नंबर पर है और आपके इम्पोर्ट में भी पाम ऑयल एक नंबर पर है इंडियन का बाकी कौन कौन सा ऑयल आप खाते हो मेरा मानना है कि आप सोयाबीन ऑयल खाइए सनफ्लावर भी अच्छा होता है राइस ब्रांड सबसे अच्छा होता है मैं काफी अमीर हूँ तो मैं राइस ब्रांड पे ही फोकस रखता हूँ अपना मस्टर्ड ऑयल तो देना गाँव गाँव के लोग जो हैं करुआ तेल इंडिया इज द फोर्थ लार्जेस्ट ऑयल सीड प्रोड्यूसिंग ऐसे तो हम ऑयल सीड प्रोड्यूसिंग में बहुत पीछे नहीं है फोर्थ लार्जेस्ट हैं लेकिन हमें कढ़ाई में तेल डालने की आदत है हमारी पॉपुलेशन ज्यादा है तो टॉप पे कौन है ऑयल सीड के प्रोडक्शन में यूएसए सेकेंड पे चाइना थर्ड पे ब्राज़ील फोर्थ में इंडिया लेकिन पाम ऑयल जो है मलेशिया जो है मलेशिया इंडोनेशिया का रीजन टॉप पे है करेंटली एनुअल ऑयल सीड प्रोडक्शन फ्रॉम प्राइमरी सोर्सेज इन इंडिया कितना है थर्टी फोर मिलियन टन है ना एनुअल ऑयल सीड के प्रोडक्शन की बात कर रहा हूँ ऑयल सीड्स अकाउंट फॉर थर्टी परसेंट ऑफ द ग्रॉस क्रॉप एरिया पूरी जगह कंट्री में आप क्रॉपिंग करते हो तो ग्रॉस क्रॉप एरिया निकालते हो तो उसमें ऑयल सीड कितने पर आप लगा रहे हो थर्टीन परसेंट में बहुत है क्या नहीं बहुत नहीं है यार थर्टीन परसेंट ही तो है तो कितना आप उत्पादन करोगे आपका जो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है उसका थ्री परसेंट ऑयल सीड है और आपके जो टोटल एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ हैं तो उसका टेन परसेंट क्या है टेन परसेंट क्या है आपका ऑयल सीड है फिशरी कितना था फिशरी कितना बता था फिशरी आपके एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट का ट्वेंटी परसेंट डेटा था और ओवरऑल एक्सपोर्ट का आपका कितना था फिशरी टेन परसेंट था लेकिन अगर आप बात करें कि आपके एग्रीकल्चरल ओवरऑल कमोडिटीज़ की जो वैल्यू है जो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है तो उसमें टेन परसेंट क्या है वो ऑयल सीड है देखिए इतना कम करके भी इतना ये इंपॉर्टेंस है टेन परसेंट बना रहा है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट का जो एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ का टेन परसेंट ओवरऑल जी एन पी का भी थ्री परसेंट बना दे रहा है तो मेजर ऑयल सीड प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन इंडिया क्या है अगर ग्राउंड नट की बात करें मूंगफली और कुछ लो लोग गांव में मूंगफली को बादाम बोलते हैं अलग ही लोग हैं आलमंड होता है बादाम मूँगफली और मूँगफली और बादाम में उतना ही फर्क है जितना राजा रंग में फ़र्क होता है खैर ग्राउंड नट गुजरात अच्छा एलमंड जो है जनरली कोल्ड एरिया में प्रोड्यूस होता है तो आपके जो है एलमंड हो गया और साथ ही साथ जो एक क्या होता है जो ब्रेन के लिए बड़ा अच्छा होता है यार मैं नाम भूल जाता हूँ बार बार अखरोट ये सब कोल्ड एरिया में प्रोड्यूस होते हैं तो जम्मू कश्मीर के एरिया में यूनाइटेड स्टेट इंडिया को बहुत ज़्यादा एलमंड है सप्लाई करता है और उन्होंने ही बोल दिया कि इसमें जो ओमेगा थ्री फैटी एसिड बहुत ज़्यादा है बहुत ज़्यादा है ताकि इंडिया में उनका मार्केट क्रिएट हो तो ढेर सारा यहां पे हमारे वो एक्सपोर्ट करता है यूनाइटेड स्टेट एलमंड का ग्राउंड नट सोयाबीन भी वहीं से आता है सोयाबीन भी मोस्टली बहुत ज्यादा आता है जो आप सोयाबीन जो चंक खाते हो खास करके वो बहुत आता है आपको एक्चुअली बीन खाने चाहिए सोयाबीन और आप खाते हो चंक चंक तो डिस्कार्डेंट मटेरियल है यार ग्राउंड नट गुजरात लीडिंग है आंध्र प्रदेश दो पे तो आपको याद रखना है क्या नहीं लीडिंग को याद रखिए ना कर्नाटका तमिलनाडु क्यों याद रख रहे हैं गुजरात एक नंबर पर मूंगफली में मोदी जी को याद रखिए मोदी जी को मूंगफली खाते हुए मस्टर्ड में करुआ तेल यूपी एक नंबर पे आपको लगता होगा कि बिहार नहीं यूपी एक नंबर पे है फिर हरियाणा है फिर वेस्ट बंगाल है अच्छा सोयाबीन में सोयाबीन में मध्य प्रदेश लीडिंग है और फिर महाराष्ट्र है ये तो मैंने आपको अलग अलग ऑयल सीड के बताए ना अलग अलग ऑयल सीड के बताए बता ग्राउंड नट मस्टर्ड सोयाबीन लेकिन ओवरऑल अगर बात करें ऑयल सीड का सबसे बड़ा कौन प्रोडक्श प्रोड्यूसर है देखिए सोयाबीन में टॉप पे एमपी मस्टर्ड में यूपी और ग्राउंड नट में गुजरात मोदी जी तो मोदी जी क्या हो गए मूंगफली खा रहे हैं ठीक है और जो आपके योगी जी हैं क्या खा रहे हैं वो करुआ तेल लगा रहे हैं और जो सोयाबीन मध्य प्रदेश शिवराज सिंह चौहान है वो सोयाबीन के चंक खा रहे हैं अपनी बीवी के साथ तो ये हो गया आपका मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश से अगर मैं अब यहाँ मैं सोयाबीन वगैरह नहीं बोल रहा मैं ओवरऑल ऑयल सीड की बात कर रहा हूँ यहाँ था यहाँ इंडिविजुअल ऑयल सीड्स थे तीन का टॉप का नाम लिया था अब ओवरऑल ऑयल सीड के प्रोडक्शन में देखिए टॉप पे कौन है ये मध्य प्रदेश है उसके बाद देखिए राजस्थान का कहीं नाम नहीं आता इंडिविजुअल में राजस्थान ओवरऑल में सेकेंड है थर्ड पे कौन है महाराष्ट्र है और फोर्थ पे कौन है गुजरात है मूंगफली वाला बाकी छोटे छोटे स्टेट जो हरियाणा वेस्ट बंगाल कर्नाटक आंध्र प्रदेश है तो इसी के साथ जो है ये वाला लेक्चर खत्म होता है नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तो क्या करेंगे फूड प्रोसेसिंग का जो है टॉपिक एक ही है मेगा फूड पार्क तो वो भी कर लेंगे और नीचे देखिए अदर एग्रीकल्चर न्यूज़ में एक बड़ा लंबा चौड़ा लिस्टिंग है तो मैं छोड़ भी सकता था आप खुद से कर सकते थे लेकिन मैं करा दूंगा ईजी है तो अगले लेक्चर में हमारा एग्रीकल्चर फिनिश हो जाएगा देन वी विल मूव टुवर्ड्स इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड एसोसिएटेड इशूज़ इसमें छः पेजेज हैं देन इंफ्रास्ट्रक्चर करके पंद्रह पेज का बड़ा सा चैप्टर शुरू होगा तो अगले लेक्चर में मिलेंगे तो एग्रीकल्चर को फिनिश कर लेंगे और उसके अगले लेक्चर में मिलेंगे तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड एसोसिएटेड इशूज को शुरू कर देंगे आपका बहुत बहुत शुक्रिया लेक्चर सुनने के लिए आपको भी जो है रॉयल जेली मिले और आपको मजा आए धन्यवाद आपका